हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेपीएस प्लेटफॉर्म। आई एम विनय राजपूत एंड आज आपसे मैं बायोलॉजी में जो मैंने लास्ट क्लास में आपको प्रोटीन वगैरह बताया, न्यूट्रिशन मैंने स्टार्ट किया इनफैक्ट, और न्यूट्रिशन में मैंने आपको कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन के बारे में बताया था। उससे पहले मैंने प्रोटीन पढ़ाने से पहले मैंने आपको एमिनो एसिड समझाया, बिकॉज एमिनो एसिड्स ही बिल्डिंग ब्लॉक होते हैं प्रोटीन के। प्रोटीन बनाने के लिए एमिनो एसिड्स की जरूरत होती है, बिना एमिनो एसिड्स के प्रोटीन नहीं बन सकता है। मतलब एमिनो एसिड से ही प्रोटीन बनते हैं, एमिनो एसिड जुड़ जुड़ के प्रोटीन बनाते हैं, मैंने समझाया लास्ट क्लास में आपको, ठीक है। तो प्रोटीन आज कंप्लीट हो जाएगी। जितना आपके एग्जाम में यूपीएससी और पीएससी में जितना जरूरत है बायोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू को देखते हुए, और उसके और अप्लीकेशंस क्या हो सकते हैं इस बायोलॉजी का, इस प्रोटीन का, जैसे कि एंटीबॉडी होते हैं, एंटीबॉडी भी एक प्रोटीन होता है जो कि इम्यूनिटी में काम आता है ना। इम्यूनिटी आप जो समझ रहे हो, कोरोना में इतना इम्यूनिटी चली है, इम्यूनिटी इम्यूनिटी प्रतिरोधक क्षमता क्या होती है, शरीर की प्रतिरोधक क्षमता, तो ये भी क्या एक तरीके का, ये भी एक तरीके का प्रोटीन है एंटीबॉडी भी। तो इस व्यू से भी आपको देखना है, सिर्फ बायोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू नहीं देखना है, उसका एप्लीकेशन भी देखना है। जैसे कुछ एप्लीकेशन प्रोटीन का ये हो सकता है कि जो ठंडे प्रदेश होते हैं, या अंटार्कटिक पे चले जाओ, या आर्कटिक पे चले जाओ, पोलर एरिया पे चले जाओ, तो वहां पे कुछ फिशेस होती है, मछलियां होती हैं, उतने लो टेम्परेचर पे कैसे सर्वाइव कर लेती हैं। उनके ब्लड के अंदर जो वाटर है वो लो टेम्परेचर पे तो फ्रीज होना चाहिए, है ना, बर्फ बन जाना चाहिए, फ्रीज हो जाना चाहिए, लेकिन नहीं होता है। तो उसमें भी प्रोटीन का इन्वॉल्वमेंट है। दिस इज अप्लीकेशन पार्ट, दिस इज पार्ट ऑफ एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी ऑल्सो, दिस इज द पार्ट ऑफ ज्योग्राफी ऑल्सो। तो अप्लाइड पार्ट भी होती है हर चीज का, इसलिए मैं उस तरीके से पढ़ा रहा हूं। और हर चीज का मैं जब सब्जेक्ट एनवायरमेंट इकोलॉजी, जस्ट बायोलॉजी कंप्लीट करके मैं एनवायरमेंट इकोलॉजी स्टार्ट करूंगा। थोड़ा सा मैंने पेंडिंग किया था साइंस टेक में, अभी मैं स्टार्ट करने वाला हूँ। साइंस टेक आपको मिलने लगेगी, जो मैं एनर्जी स्टार्ट किया हूँ, और हाइड्रोइलेक्ट्रिक एनर्जी से स्टार्ट करेंगे। उसके बाद धीरे धीरे कंप्लीट करके सोलर कंप्लीट करेंगे, उसके बाद हम लोग न्यूक्लियर में एंट्री करेंगे, न्यूक्लियर एनर्जी पढ़ेंगे, फिशन फ्यूजन पढ़ाऊंगा, फिसाइल मटेरियल क्या होते हैं, फिजनेबल मटेरियल क्या होते हैं, यूरेनियम 235 क्या है, 238 क्या है, प्लूटोनियम 239 क्या है, थोरियम 232 क्या है। भारत में थोरियम का डिपॉजिट केरला में बहुत ज्यादा है, मैंने बताया था 6 लाख, आपको याद है, टन के फॉर्म में मैंने बताया था, तो वो सबसे ज्यादा है केरला में। उड़ीसा में भी है, उड़ीसा में भी है थोरियम के डिपॉजिट, लेकिन केरला में मालाबार कोस्ट में बहुत ज्यादा है, मोनाजाइट सैंड के फॉर्म में, है ना। तो ये चीज हम लोग कंप्लीट करेंगे। उसके भावा का जो हमारा 3 स्टेज प्रोग्राम है न्यूक्लियर पावर प्रोग्राम, उसमें प्रेशराइज्ड वाटर रिएक्टर क्या होते हैं, प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर क्या होता है, कैंडू टाइप रिएक्टर क्या होते हैं, इनफैक्ट मैंने मैनहट्टन प्रोजेक्ट जो था वहीं से सारी कहानी स्टार्ट हुई है। मैनहट्टन प्रोजेक्ट जो है, आपको सुना होगा आप लोगों ने, मैनहट्टन प्रोजेक्ट, उसी से सारी कहानी न्यूक्लियर की स्टार्ट हुई है। तो मैं उसको बताऊंगा आपको, वो ना बॉम्ब बनाने से सारी चीजें, इनफैक्ट न्यूक्लियर फिजिक्स की कहानी तो रदरफोर्ड से स्टार्ट है, रदरफोर्ड जो थे वहां से न्यूक्लियर की बात स्टार्ट हो चुकी है, बट जो बॉम्ब बनाने वाली कहानी थी ना मैनहट्टन प्रोजेक्ट, वहां से है, ठीक है। तो वो चीजें कंप्लीट करके फिर न्यूक्लियर डिप्लोमेसी में पहुंचेंगे, और फिर डिफरेंट डील्स पढ़ेंगे, इनफैक्ट वो इंटरनेशनल रिलेशन का पार्ट है, बट मैं भी पढ़ाऊंगा आपको, मैं इतना पढ़ा दूंगा आपको, इंटरनेशनल रिलेशन में पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं ही कंप्लीट करा दूंगा आपको। न्यूक्लियर डिप्लोमेसी के नाम से हम लोग जानते हैं कि क्या डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप चल रहे हैं डिफरेंट कंट्रीज के बीच में, क्या डील चल रही है, क्या एग्रीमेंट चल रहे हैं, उनकी बात करेंगे। और डिफरेंट डिफरेंट वासेनर एग्रीमेंट है, ऑस्ट्रेलिया ग्रुप है, एनर्जी ग्रुप है, एनपीटी है, आपको पता है सारी चीजों के बारे में, बट मैं डिटेल में करूंगा, यूपीएससी है ये तो डिटेलिंग में चलेगी, और साथ में पीएससी कवर कर रहा हूं, तो जो मैंने बायोलॉजी कवर किया है यूपीएससी में ये डिफरेंट सब्जेक्ट्स में काम आएगी, ठीक है। प्रोटीन हुआ, लिपिड्स हुए, फैट हुए, जो मैं अभी फैट ही आगे पढ़ाने वाला हूं आपको, प्रोटीन के बाद फैट पढ़ेंगे, उसके बाद न्यूक्लिक एसिड पढ़ेंगे, न्यूक्लियोटाइड है, न्यूक्लियोसाइड है ना, फॉस्फेट का होते हैं, राइबो सुगर उसमें अंदर होती है, तो क्या होती है, तो ये हम लोग न्यूक्लिक एसिड कंप्लीट करेंगे, तो मेन पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद मिनरल पढ़ाऊंगा, मिनरल्स वगैरह आपको पढ़ने हैं, कुछ 10-12 मिनरल्स है वो आपको पढ़ना पड़ेगा, बहुत जरूरी है, आयरन हुआ, जिंक हुआ, मैग्नीशियम हुआ, आपको पढ़ना पड़ेगा, कैल्शियम हुआ आपको पढ़ना पड़ेगा, फॉस्फोरस हुआ, इन सारी चीजों को आपको पढ़ना है, ठीक है। तो मिनरल्स कंप्लीट कर लेंगे, विटामिन्स, उसके बाद ये कंप्लीट, ये ऐसा कंप्लीट होगा कि आप कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगा, और इसका यूजेज भी हम लोग करेंगे डिफरेंट सब्जेक्ट्स में, और आप बायोलॉजी में तो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे करेंगे, ठीक है। तो देखिए, मैंने लास्ट क्लास हमको क्या बताया था, ग्लूटाथियोन के बारे में बात की थी, ग्लूटाथियोन इज ए मास्टर एंटीऑक्सीडेंट, है ना, नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट है ग्लूटाथियोन, है ना, ट्राइपेप्टाइड है, सब कुछ मैंने समझाया, 3 एमिनो एसिड होते हैं उसके अंदर, ग्लाइसिन, ग्लूटामिक एसिड और सिस्टीन होता है, याद है, याद है ग्लाइसिन, ग्लूटामिक एसिड और सिस्टीन, 3 एमिनो एसिड होते हैं, इसलिए ट्राइपेप्टाइड बोलते हैं ग्लूटाथियोन को। तो मैंने छोटे पेप्टाइड्स को आपको समझाया है, प्रोटीन तो बहुत बड़ा पेप्टाइड होता है, पॉलीपेप्टाइड बोलते हैं ना, मतलब बहुत बड़ा पेप्टाइड है, बड़ी चेन है, बट छोटे चेन भी तो हो सकते हैं ना नेचर में, तो छोटे चेन के फॉर्म में मैंने आपको ग्लूटाथियोन को समझाया, ट्राइपेप्टाइड है, 3 एमिनो एसिड से बना हुआ है, ठीक है, 2 एमिनो एसिड से बनेंगे तो उसको डाइपेप्टाइड बोलेंगे। उसी तरह मैंने आपको ग्लूटाथियोन के बाद मैंने आपको समझाया था क्या एंजियोटेंसिन के बारे में, याद है, एंजियोटेंसिन 1, एंजियोटेंसिन 2,
उसके बाद मैंने आपको याद है ब्रेडिकाइनिन समझाया था, याद होगा ऑक्सीटोसिन के बारे में, वैसोप्रेसिन के बारे में बताया था। ये बेसिक मैंने आपको बताया है, इसकी क्या फंक्शन है हम लोग ऑर्गन में जाके पढ़ेंगे, फिजियोलॉजी जब पढ़ेंगे वहां पढ़ेंगे, बट इतना आपको आइडिया होगा ना भाई, हाँ एमिनो एसिड से बने हुए हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज आपको पता होनी चाहिए। ग्लूटाथियोन की मैंने बताई थी कि स्किन लाइटनिंग में आजकल बहुत यूज हो रहा है, हमारे बॉडी में बनती है ग्लूटाथियोन, बट हम लोग क्या है कि बाहर से लेने की कोशिश कर रहे हैं स्किन लाइटनिंग में, उसका कारण क्या है। देखिए ग्लूटाथियोन की कहानी ये है कि ग्लूटाथियोन पहले यूज होता था FDA जो है ना, फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन USA की, और भी डिफरेंट कंट्री में FDA है अलग अलग नाम से, बट USA की मैं बात करूं, अमेरिका की FDA, फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, जो कि इन चीज़ों का देखरेख करता है, सारी ड्रग्स की इफिकेसी क्या है, सारे मतलब कि कंट्रोल उसकी सारी चीज़ों को देखरेख करता है ना FDA, सारे ड्रग्स को रिलेटेड जो भी दवा है उनसे रिलेटेड। तो FDA ने प्रूफ किया था कि ग्लूटाथियोन जो है पहले यूज होता था, कहाँ यूज होता था ग्लूटाथियोन, मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया नहीं था, और इनफैक्ट मैं ग्लूटाथियोन के बारे में थोड़ा डिटेल में आपको बताऊंगा, क्योंकि अप्लाइड पोर्शन है ये, उसको पता होना चाहिए, ठीक है। तो ग्लूटाथियोन जो है, मैं बताऊंगा आपको ग्लूटाथियोन थोड़ा सा बता देता हूं, फिर हम लोग प्रोटीन स्टार्ट करते हैं। ग्लूटाथियोन, ग्लूटाथियोन जो है ट्राइपेप्टाइड है, ठीक है, ट्राइपेप्टाइड है, किस किस से, ग्लाइसिन, ग्लूटामिक एसिड और सिस्टीन से बना हुआ है। तो तीन एमिनो एसिड में मैं सिस्टीन को पकड़ता हूं, सिस्टीन, ठीक है, मैंने समझा दिया है सिस्टीन को, याद है सिस्टीन प्लस सिस्टीन मिला के सिस्टाइन बनाते हैं, याद है मैंने समझाया था, जो भी नए लोग हैं देखिए पिछले लेक्चर्स को, और मैं अच्छे तरीके से कंप्लीट कर रहा हूं, आपको UPSC में आपको पता चलेगा ये, दिस इज द बेस्ट, ठीक है ना, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको पता चल रहा होगा YouTube में इतने वीडियो आप देख सकते हैं, पता नहीं क्या क्या लोग कर रहे हैं, ठीक है, बट आप देखें यहाँ है एक जगह, भरोसा करके चले, और मुझ पे भरोसा कर रहे हैं तो आपको एग्जामिनेशन में पता चलेगा, और बाकी यहाँ पता चल रही है मैं किस तरीके से आपको दे रहा हूँ, क्वेश्चन में सारा करा के दूंगा, कॉन्सेप्ट में पढ़ा रहा हूँ, क्या एग्जाम में क्वेश्चन आया, हाथी पे मैंने क्वेश्चन बनाया, हाथी पे मैंने बताया आपको, हाथी में मैंने आपको एलिफेंट में सारी चीजें बताई है, कुछ चीजें बची हुई है जो कि मैं एनवायरमेंट इकोलॉजी में बताऊंगा, कि एलिफेंट वैली, एलिफेंट की जो आपने सुना होगा एलिफेंट की, जैसे कि वैली पे क्वेश्चन, एलिफेंट पास पे क्वेश्चन UPSC आ चुका है, जो कि नॉर्दर्न पार्ट ऑफ श्रीलंका में है, नॉर्दर्न पार्ट ऑफ श्रीलंका, ठीक है, तो वो बैटल भी हो चुकी है ना, बैटल भी वहां पे, लड़ाई भी हो चुकी है इससे रिलेटेड, लिट्टे से आपने नाम सुना होगा, LTTE लिट्टे, तो ये चीजों की बात मैं थोड़ा बहुत आपको उसमें करूंगा, क्या कहते हैं, इन्वायरमेंट इकोलॉजी में, एलिफेंट मस्त, जो लोग बोलते हैं ना एलिफेंट पागल हो जाते हैं, बहुत बेचैन हो जाते हैं एक समय में, वो पागल नहीं होते हैं एक्चुअली, वो नॉर्मल की कंडीशन होती है, इन चीजों की जानकारी मैं आपको जरूर दूंगा जब मैं इन्वायरमेंट इकोलॉजी में आऊंगा, ठीक है, जितना मैंने बताया उतना आपको ध्यान रखना है एलिफेंट के बारे में, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, और बाकी चीजें मैं इन्वायरमेंट इकोलॉजी में कंप्लीट कराऊंगा, फिर डिफरेंट स्पीसीज में ऐसे भी पढ़ा रहा हूं आपको, अभी मैं ऑस्ट्रिच वगैरह के बारे में, जितने डिफरेंट स्पीसीज है, क्रिटिकल इंडेंजर्ड, इंडेंजर्ड और थ्रेटेंड स्पीसीज है, उनकी बात मैं करूंगा, और एक्सटिंक्ट हो चुके हैं जिनको मैं रिवाइव करने की कोशिश कर रहे हैं, जिनको फिर से लाने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे कि मैंने बताया था उली मैमथ की बात की थी मैंने, जो एलिफेंट के फैमिली का परिवार का ग्रुप है, सदस्य है, एलिफेंट के परिवार का सदस्य है मैमथ, याद है मैंने बताया था, मैस्टोडॉन्स मैंने बताया था, तो वो चीजें भी आपको पढ़ना, एक्सटिंक्ट वाले किसको हम लाने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये मैं कॉन्सेप्ट आपको दूंगा, आप चिंता नहीं करना, आपको सब कुछ पढ़ाऊंगा, आप मेरे लेक्चर्स को देखते जाए, नोट करते जाए, ठीक है ना, क्योंकि बुक्स वगैरह में आपको ये चीजें नहीं मिलेगी, जिस तरीके से मैं पढ़ा रहा हूँ ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम में मैंने सब कुछ किया है, और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने देखा है कि क्या लोग पूछ रहे हैं, क्या कॉन्सेप्ट की जरूरत है, उस तरीके से मैं पढ़ा रहा हूँ। तो ग्लूटाथियोन की बात करूं, सीवियर लीवर टॉक्सिसिटी आप इतना समझ सकते हैं कि लीवर की टॉक्सिसिटी की बात चल रही है, सीवियर लीवर टॉक्सिसिटी में ग्लूटाथियोन को यूज किया जाता था इंट्रावीनस, मतलब ब्लड में डालते थे ग्लूटाथियोन, तो ये यूज किया जाता था इस बीमारी में, सीवियर लीवर इनटॉक्सिसिटी जो होती थी वहां पे हम लोग यूज करते थे टॉक्सिसिटी में, क्या इंट्रावीनस ब्लड में डायरेक्ट डालते थे, इंट्रा मतलब ब्लड में डाल रहे हैं, वहां पे यूज किया जाता था ग्लूटाथियोन को, ठीक है, और न्यूरोटॉक्सिसिटी में भी यूज किया जाता था पहले, न्यूरोटॉक्सिसिटी यहां पे अप्रूव है, इन दोनों के लिए ग्लूटाथियोन का एप्लीकेशन अप्रूव है FDA के द्वारा, न्यूरोटॉक्सिसिटी, ठीक है, टॉक्सिसिटी, ये न्यूरोटॉक्सिसिटी किस चीज से रिलेटेड वाली है, न्यूरोटॉक्सिसिटी जो है एसोसिएटेड विद सिस्प्लैटिन कीमोथेरेपी, उस डिटेलिंग आपको नहीं जाना है, ये एसोसिएटेड है सिस्प्लैटिन कीमोथेरेपी, बट इतना जानना है कि ये दो ऐसे बीमारी हुआ करते थे डिजीज जिसमें ग्लूटाथियोन को FDA ने अप्रूव किया था कि आप यूज कर सकते हैं, लेकिन क्या हुआ जब इन पेशेंटों में जिनको ये बीमारी थी जब ग्लूटाथियोन यूज किया गया तो ऐसा पाया गया कि कुछ समय बाद उन पेशेंटों की जो फेयर है स्किन जो है वो फेयर हो गई, वो गोरे हो गए, ठीक है, तो ये एक तरीके का एक ऐसा इफेक्ट दिखा कि बीमारी तो
में यूज किया जा रहा है ग्लूटाथियोन को, लेकिन वो पेशेंट गोरे होते जा रहे हैं, है ना, गोरे होते जा रहे हैं, तब वहां से ग्लूटाथियोन को हुआ कि चलो मार्केट में लोग यूज करने लगे, डॉक्टर्स यूज करने लगे कि हाँ गोरा होने के लिए आप ग्लूटाथियोन को यूज कर सकते हो। लेकिन एफडीए ने कभी अप्रूव नहीं किया कि इसका गोरा होने के लिए यूज करना है ग्लूटाथियोन, ये तो बाई प्रोडक्ट निकल गया। इन बीमारी में यूज किया जा रहा था ग्लूटाथियोन को, जो एफडीए ने अप्रूव किया था इन बीमारी के लिए, दोनों के लिए। लेकिन क्या करो, पेशेंट जब आते थे डॉक्टर से मिलने कुछ समय बाद दवा खा के ग्लूटाथियोन को, गोरे हो गए वो, तो गोरे हो गए तो लोगों ने यूज करना स्टार्ट कर दिया गोरा होने के लिए। लेकिन मैंने आपको बताया था कि एफडीए ने इसको अप्रूव नहीं किया है कि ग्लूटाथियोन को आप स्किन लाइटनिंग में यूज करें, एफडीए ने अप्रूव नहीं किया है, ठीक है, इन चीजों के लिए अप्रूव है, इन दोनों के लिए, बीमारी के लिए, लेकिन स्किन लाइटनिंग में गोरा होने के लिए अप्रूव नहीं है एफडीए द्वारा ग्लूटाथियोन। और मैंने साइड इफेक्ट आपको बताया था, बहुत सारे साइड इफेक्ट है, बट जो बाहर से ले रहे हैं, एक्चुअली बाहर से जो ले रहे हैं वो दिक्कत है। हमारी बॉडी में बनती है ग्लूटाथियोन, वो हमारी बॉडी के लिए अच्छी है। आपको मैंने बताया था ग्लूटाथियोन का एक इफेक्ट बता दूं मैंने आपको, कि जैसे सिस्टीन एमिनो एसिड है, मैंने बताया था एमिनो एसिड में ऐसे भी एमिनो एसिड होते हैं जो सल्फर कंटेन करते हैं। सल्फर के जब भी बात आएगी याद रखना, सल्फर ध्यान रखना है, कोयला भी सल्फर डाइऑक्साइड इमिट करता है, लेकिन सल्फर डाइऑक्साइड इज ए ग्लोबल कूलिंग गैस, ग्लोबल वार्मिंग गैस नहीं होती है। सल्फर डाइऑक्साइड की बॉइलिंग पॉइंट जो होती है -10 डिग्री सेल्सियस होती है। तो ये चीजों की बात मैं एनवायरमेंट इकोलॉजी में करूंगा कि ग्लोबल कूलिंग गैस क्यों है सल्फर डाइऑक्साइड, किस तरीके से सल्फर डाइऑक्साइड सल्फ्यूरिक एसिड बनाता है, और किस तरीके से सल्फ्यूरिक एसिड एरोसेल्स, और एरोसेल्स जो है वो सल्फ्यूरिक एसिड एरोसेल्स जो होते हैं जो एटमोसफेयर स्ट्रेटोस्फीयर में सस्पेंडेड है, स्ट्रेटोस्फीयर में सस्पेंडेड रहते हैं, वहीं पे वो रिफ्लेक्ट कर देते हैं सनलाइट को स्पेस में, और सनलाइट अर्थ पे नहीं पहुंच पाती है, इसके कारण कूलिंग हो जाती है, ग्लोबल कूलिंग हो जाती है। मैं एनवायरमेंट इकोलॉजी में डिटेल में पढ़ाऊंगा, आई एम वेरी गुड इन केमिस्ट्री पोर्शन ऑफ एमएससी एंड बीएससी लेवल, तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। आपको मैं केमिस्ट्री उतना यूज करके दिखाऊंगा कि कैसे आपको समझना है, ठीक है, इन्वायरमेंट इकोलॉजी में मैं आऊंगा, तो ये आपके लिए फायदेमंद है कि मैं केमिस्ट्री आपको पढ़ाऊंगा, तो सारी सब्जेक्ट मैं लिंक करके दे रहा हूं, और देखना जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी टीचर से आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, जब मैं पढ़ा रहा हूं आपको जरूरत नहीं है, आप बस करते जाए, सब कुछ करा रहा हूं, यूपीएससी बहुत बड़ी एग्जाम है, सब्र रखनी जरूरी है, ठीक है ना। तो सिस्टीन क्या है, ये सल्फर कंटेनिंग एमिनो एसिड है, सल्फर कंटेनिंग एमिनो एसिड, इसके अंदर सल्फर होता है, मैंने बताया था आपको, लिखवा दिया है किस किस एमिनो एसिड में सल्फर होता है, दो में मैंने बोला था सिस्टीन। तो क्या होता है कि सिस्टीन जो सल्फर कंटेनिंग एमिनो एसिड है, इसमें क्या होता है कि ये सल्फर, आप समझते हो सल्फर बेकार है, यस सल्फर कितना खराब है मैं आपको एनवायरमेंट इकोलॉजी में पॉल्यूशन में समझाऊंगा, यहां फायदा देखो बॉडी में क्या है। ये सल्फर कंटेन करती है सिस्टीन, तो इसमें क्या होता है कि सल्फर के स्पॉन्ज बनते हैं, सल्फर का स्पॉन्ज होता है ना, स्पॉन्ज बनता है बॉडी के अंदर, और सल्फर का स्पॉन्ज क्या करता है कि किसी भी प्रकार का टॉक्सिन हमारे बॉडी के अंदर है उससे अटैच हो जाएगा, और अटैच जब हो जाएगा तो उस टॉक्सिन्स को बाहर निकालने में, उस हार्मफुल केमिकल को शरीर से बाहर निकालने में मदद करता है। क्योंकि ग्लूटाथियोन में सिस्टीन होते हैं, ये एमिनो एसिड है, और एमिनो एसिड सिस्टीन में सल्फर होता है, तो सल्फर के स्पॉन्ज बॉडी में बनते हैं, वो स्पॉन्ज हमारे बॉडी में जितने भी केमिकल्स होते हैं, हार्मफुल केमिकल्स और टॉक्सिन्स होते हैं उससे अटैच हो जाएगा तो वो केमिकल्स को बाहर निकालने में मदद करता है हमारे शरीर से। तो एक तरीके से बेनिफिट है कि हमारे हार्मफुल टॉक्सिन्स को हमारे शरीर से बाहर निकालने में मदद कर रहा है। और दूसरा, साइटोकाइन स्टॉर्म बहुत हुआ, आपने सुना होगा कोरोना में, बताऊंगा फिर आप बायोलॉजी समझ लो तब साइटोकाइन स्टॉर्म समझ पाओगे, ब्रेडिकाइनिन स्टॉर्म भी समझ पाओगे। मैंने थोड़ी सी आपको बता दी है, बाकी चीजें आपको धीरे धीरे समझाऊंगा, ठीक है, जब समय आएगा। तो अभी आप उस लेवल पर नहीं पहुंचे कि मैं आपको साइटोकाइन स्टॉर्म बता दूं, ठीक है ना। बट पहले आप रेस्पिरेशन समझ ले, पहले आप ब्रीदिंग समझ ले, एल्वियोलाई समझ ले, लंग्स में आपको समझना पड़ेगा ब्रोंकाई क्या है, ब्रोंकियोल्स क्या है, एल्वियोलाई क्या है, एल्वियोलर स्लैग सैक क्या है, एल्वियोलर सैक में कैसे एक्सचेंज हो रहा है कार्बन डाइऑक्साइड का, ऑक्सीजन का ब्लड में कैसे जाता है, तो क्या क्या है, फ्लूड कैसे इकट्ठा हो गया एल्वियोलाई में, है ना। तो वो चीजें हैं, आप पहले समझोगे तब आपको साइटोकाइन स्टॉर्म समझाऊंगा और ब्रेडिकाइनिन। तो ये क्या है कि इट आल्सो हेल्प्स इन ग्लूटाथियोन जो होते हैं ना, इट आल्सो हेल्प्स इन साइटोकाइन प्रोडक्शन, वही साइटोकाइन जो इम्यून सेल्स एक तरीके का प्रोटीन बनाती है हमारे रक्षा करने के लिए, लेकिन वही साइटोकाइन जब ज्यादा बन जाता है तो हमारे लिए खतरनाक हो जाता है, उसी को साइटोकाइन का स्टॉर्म बोलते हैं कि भैया एकदम आ गया बवंडर आ चुका है, स्टॉर्म हो चुका है साइटोकाइन का शरीर के अंदर, और वो शरीर के लिए हमारे लिए हानिकारक हो जाता है। लेकिन एक लिमिट में नॉर्मल जब रिलीज होती है साइटोकाइन बॉडी में तो वो अच्छा है, लेकिन ज्यादा किसी चीज का जानते हो ना खराब होता है, उसी तरीके से साइटोकाइन ही हमारे लिए जानलेवा हो गया कोरोना में, ठीक है, समझते जाइए समझाऊंगा। तो साइटोकाइन की प्रोडक्शन को बढ़ाता है ये, जो हमारे लिए इम्यूनिटी का काम करता है, इम्यूनिटी हमारी बनाने में मदद करता है, साइटोकाइन एक तरीके का प्रोटीन होता है जो हमारे इम्यून सेल्स बनाते हैं, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, इम्यूनिटी में बहुत रोल निभाता है साइटोकाइन, और इट हेल्प्स इन ग्लूटाथियोन, इट आल्सो हेल्प्स इन, आपकी सहायता करता है साइटोकाइन प्रोडक्शन में, जिससे हमारी बॉडी साइटोटॉक्सिक सेल
जो हमारी बॉडी में है वो कम होने लगते हैं, साइटोटॉक्सिक सेल जो हमारे बॉडी में है वो कम होने लगते हैं। तो ये साइटोकाइन का प्रोडक्शन कराता है, जो कि साइटोकाइन के प्रोडक्शन के कारण हमारे बॉडी में साइटोटॉक्सिक सेल कम होने लगते हैं, ये कोशिकाएं कम होने लगती हैं। और साथ में साइटोकाइन आप जानते हो कि हमारे इम्यूनिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, शरीर की प्रतिरोधक क्षमता के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है साइटोकाइन, ठीक है, होना चाहिए। तो ये सपोर्ट करता है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ग्लूटाथियोन विटामिन सी विटामिन ई को एक्टिव रखने में मदद करता है, मैंने बताया था आपको विटामिन सी विटामिन ई, ये बहुत फायदे हैं ग्लूटाथियोन के बारे में, आप सोच लो कितने फायदे हैं, ठीक है। एंटी मिलानोजेनिक है, ग्लूटाथियोन गोरा करने में मदद कर रहा है, मैंने बताया, आपने देखा भी, तो करता तो है। हर पेशेंट में क्या इफेक्ट आएगा ये डिटेल बात है, मैं इसमें नहीं कवर करूंगा अभी, ठीक है ना, ये अलग बात है, ठीक है। एंटी एजिंग है, ग्लूटाथियोन एंटी एजिंग है, ठीक है। और डिफरेंट सेलुलर फंक्शन, अगर डिफरेंट कोशिकाओं की क्रियाएं देखोगे, फंक्शन देखोगे, उसमें भी यूज होता है, ये बहुत काम की चीजें हैं। फ्री रेडिकल जो हमारे बॉडी में बनते हैं, मैंने फ्री रेडिकल आपको समझाया नहीं, फ्री रेडिकल आप इतना ही समझ सकते हो कि बहुत इंपॉर्टेंट, फ्री रेडिकल की बात करो तो ऑक्सीजन, हमारे बॉडी में मेटाबॉलिक रिएक्शन होते हैं, उस मेटाबॉलिक रिएक्शन में ऑक्सीजन बनते रहते हैं, वो ऑक्सीजन बहुत ही हाईली रिएक्टिव होते हैं, अनस्टेबल होते हैं, और हमारे सेल हमारे कोशिकाओं पर अटैक कर देते हैं, वही ऑक्सीजन जो आपके प्राणवायु है हमारे मेटाबॉलिक रिएक्शन से बनते हैं, और बहुत ही रिएक्टिव ऑक्सीजन होते हैं वो, उसको हम लोग फ्री रेडिकल बोलते हैं, जो हमारे किससे सेल को और टिश्यूज को डैमेज कर सकते हैं। क्यों करते हैं, क्यों इतना एक्टिव होते हैं, क्यों इतना रिएक्टिव होते हैं, ये थोड़ा सा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की बात है, जो मैं केमिस्ट्री में समझाऊंगा कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इनके अंदर होते हैं, इन ऑक्सीजन के अंदर जो फ्री रेडिकल होते हैं, और ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने कारण अनस्टेबल होते हैं, अनस्टेबिलिटी के कारण ये सेल और टिश्यूज को खराब कर देते हैं, उनको डैमेज कर देते हैं। तो इस फ्री रेडिकल जैसे जो कि एक ऑक्सीजन बहुत इंपॉर्टेंट फ्री रेडिकल है हमारे बॉडी में, जो कि मेटाबॉलिक रिएक्शंस हमारे अंदर होती है, उपापचायक क्रियाएं जो होती हैं उनमें बनते हैं, और साथ ही साथ कार्सिनोजेंस जो हम लोग लेते हैं, जैसे केमिकल कॉजिंग कैंसर, जो केमिकल्स हमें कैंसर कर सकते हैं उनको कार्सिनोजेन बोलते हैं, वो भी एक फ्री रेडिकल का काम करते हैं, वो भी डैमेज करते हैं, और साथ ही साथ एनवायरमेंटल पॉल्यूशंस जो है वो भी फ्री रेडिकल का काम करते हैं। लेकिन जो हमारे बॉडी में मेनली मैंने बताया कि ऑक्सीजन जो बनती है मेटाबॉलिक रिएक्शंस के थ्रू ऑक्सीजन बनते हैं, बहुत ही एक्टिव होते हैं, बहुत रिएक्टिव होते हैं, बहुत ही अनस्टेबल होते हैं, और वही ऑक्सीजन हमारे बॉडी में हमारे कोशिकाओं को, ऊतकों को, टिश्यूज को खराब करते हैं। उस फ्री रेडिकल, उस ऑक्सीजन को, वो जो फ्री रेडिकल है उसको डैमेज करता है, वो सेल को उसको काटता है, उसकी एक्टिविटी को काटता है ग्लूटाथियोन, इसीलिए एंटीऑक्सीडेंट है, एंटी है ऑक्सीडेंट का, मतलब उस ऑक्सीजन का जो हमारे बॉडी में बना हुआ है मेटाबॉलिक रिएक्शंस के थ्रू, जो कि बहुत ही एक्टिव है, बहुत ही रिएक्टिव है, बहुत ही अनस्टेबल है, हमारे कोशिकाओं को डैमेज कर सकता है, हमारे टिश्यूज को डैमेज कर सकता है, उस ऑक्सीजन को ये डैमेज करता है, उस ऑक्सीजन को के प्रभाव को ये खत्म करता है, एंटीऑक्सीडेंट है, इसलिए नाम रखा गया, ठीक है, मास्टर एंटीऑक्सीडेंट है। तो ये मैं फ्री रेडिकल के बारे में आपको समझाऊंगा जब समय आएगा, बट आप बहुत हद तक समझ चुके हैं कि फ्री रेडिकल हमारे बॉडी में एक ऑक्सीजन ही, जैसे एक एग्जांपल के तौर पर मैंने बताया, जो बहुत एक्टिव होते हैं और हमारे सेल और टिश्यूज को डैमेज कर सकते हैं, तो ग्लूटाथियोन उसको, उसके प्रभाव को काटता है, उसके प्रभाव को क्या करता है, रिलीज करता है, उसके प्रभाव को कम करता है, इसलिए इसको एंटीऑक्सीडेंट बोलते हैं, ठीक है, इसीलिए एंटी है ऑक्सीडेंट, मतलब ऑक्सीजन का, जो फ्री रेडिकल के तरह काम कर रहा है हमारे बॉडी में, जो कि बहुत ही हाईली एक्टिव है, बहुत रिएक्टिव है, ठीक है, उसकी बात मैं कर रहा हूं, ठीक है। तो इतना आप ध्यान रखेंगे, बाकी चीजें आपको मैं आगे समझाता रहूंगा, ठीक है, क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं, मैंने आपको समझा भी दिया है इसके हार्मफुल इफेक्ट, जो हम बाहर से ले रहे हैं ग्लूटाथियोन को, बाहर से जो ले रहे हैं उसका हार्मफुल इफेक्ट क्या है, आपने देखा एलर्जी हो रही है, आपने देखा स्किन रैशेस हो रहे हैं, आपने देखा बहुत सारी चीजें मैंने आपको बताई थी लास्ट क्लास में, ठीक है ना, बाकी थोड़ी सी मैंने आपको इंप्रूव कर दिया आगे। अब देखिए, अब आपको मैं बताता हूं, बाकी आप समझ चुके हैं फ्री रेडिकल मैंने क्या बताया आपको, एक तरीके से अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, ऑर्बिटल्स होते हैं, एटमिक ऑर्बिटल्स, तो इनके एटमिक ऑर्बिटल्स में आउटर सेल में, थोड़ा सा सुन लो, आउटर सेल में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, और वो अनपेयर्ड होगा तो बहुत एक्टिव होगा, बहुत रिएक्टिव होगा, अपनी पेयरिंग करने के लिए ऑक्टेट, जानते हो ना ऑक्टेट वगैरह, ऐसा सुना होगा, पूरा करने के लिए वो इधर उधर घूमते रहेंगे, कहां उनको इलेक्ट्रॉन मिल जाए कि उनका ऑक्टेट पूरा हो जाए, और जब तक नहीं मिलेगा तब तक वो घूमते रहेंगे बहुत ही खोज में कि अपनी ऑक्टेट पूरा कर ले, अपने आउटर सेल के इलेक्ट्रॉन को पूरा कर ले, बिकॉज इनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन चाहिए इनको, उसके चक्कर में बहुत ही रिएक्टिव होते हैं ये, और हमारे सेल को, टिश्यूज को डैमेज कर सकते हैं, उससे बचाता है ग्लूटाथियोन, इसलिए एंटीऑक्सीडेंट है, ठीक है। तो मेन फ्री रेडिकल हमारे बॉडी में देखोगे तो ऑक्सीजन होता है,
जो कि बहुत ही रिएक्टिव होता है, जो कि मेटाबॉलिक रिएक्शन के थ्रू बनते रहते हैं हमारे शरीर में, ठीक है वो। और बाकी और मैंने बताया कार्सिनोजेन हो गए, एनवायरमेंटल पॉल्यूशन हो गए, वो भी फ्री रेडिकल की तरह काम करते हैं। तो ये मैं बाद में बताऊंगा, फ्री रेडिकल हमारे बॉडी में कैंसर भी कर सकते हैं, ठीक है। इसीलिए एंटीऑक्सीडेंट रिच फूड जो होते हैं उसको खाना चाहिए, जैसे विटामिन सी है वो भी कैंसर में हेल्प करता है, कैंसर को रोकने में। ग्लूटाथियोन को आपने देखा मास्टर एंटीऑक्सीडेंट है। तो बहुत सारी चीजें हैं, मैं अभी आने दीजिए आगे धीरे धीरे आपको बताता रहूंगा। अभी आपको देखिए टाइप्स ऑफ प्रोटीन की बात करते हैं। उससे पहले टाइप्स ऑफ प्रोटीन, ठीक है, केमिस्ट्री का पॉइंट जिसको नहीं समझ में आ रहा है चिंता नहीं करना, जब मैं आपको समझा दूंगा कि क्या होते हैं मॉलिक्यूल, सब्सटेंस, कंपाउंड, इनऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड, तब जाके आपको मेटल, नॉन मेटल, मेटालॉइड्स क्या होते हैं, तब जाके आपको फ्री रेडिकल में वहां पे भी समझाऊंगा थोड़ा सा। पैरामैग्नेटिज्म क्या होते हैं, डायमैग्नेटिज्म क्या होते हैं, वहां पर भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का रोल है, यहां पर भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। फ्री रेडिकल में इतना ध्यान रखना, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसके कारण वो बहुत ही रिएक्टिव होता है और वो रिएक्टिविटी हमारे बॉडी के लिए खतरनाक है, हमारे सेल को, हमारे टिश्यू को डैमेज कर सकता है। उससे बचाने के लिए हमको एंटीऑक्सीडेंट खाना चाहिए, जो हमारे उस ऑक्सीजन को जो रिएक्टिव होता है उसकी प्रभाव को खत्म करेगा वो, ठीक है ना, एंटीऑक्सीडेंट, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन के बारे में हमने बताया था आपको, याद होगा प्रोटीन किस चीज से बना हुआ है, ये क्वेश्चन आ चुका है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये मेन है, ये मेन है, लेकिन सल्फर भी होता है, फॉस्फोरस भी होता है, आयरन भी होता है, आयोडीन भी होता है, आयोडीन भी होता है, ऐसा नहीं समझता, आयोडीन भी होता है प्रोटीन के अंदर। कभी ये पूछ लेगा कि प्रोटीन में आयोडीन होता है कि नहीं, होता है प्रोटीन में आयोडीन होता है, कैल्शियम होता है कि नहीं, होता है। तो ये सारी चीज आपको ध्यान रखनी है कि ये मतलब ऐसा नहीं कि बस ये यही ये लकीर का फकीर बने हुए हैं, सल्फर भी होता है, फॉस्फोरस भी होता है, आयरन भी होता है, आयोडीन भी होता है। चलो मैं इतना बता दिया आपको ताकि आप ये ध्यान रखना, सिर्फ इतना ही नहीं ध्यान रखना, ये मेन है, ये मेन है, लेकिन ये भी होते हैं, ठीक है ना, सल्फर भी है, फॉस्फोरस भी है, आयरन भी है, आयोडीन भी, ये सारे होते हैं। प्रोटियोस से लिया गया, ग्रीक वर्ड प्रोटियोस, प्रोटीन ग्रीक वर्ड प्रोटियोस, आपको मैंने बताया था, जिसका मतलब फर्स्ट रैंक होता है, फर्स्ट कैटेगरी होता है, फर्स्ट रैंक, फर्स्ट कैटेगरी या फर्स्ट क्वालिटी या प्री एमिनेंट, है ना, ये सारी चीजें आपको मैंने बताई थी, जो कि उत्तीर्ण, प्रथम, है ना, क्योंकि इस ऐसा माना जाता है कि जिस खाने में गुड क्वालिटी, मतलब जिस खाने में हाई क्वालिटी ऑफ प्रोटीन होगा, जिस खाने में ज्यादा प्रोटीन होगा वो उतना ही अच्छा खाना माना जाएगा, और जिस खाने में कार्बोहाइड्रेट ज्यादा होगा वो उतना ही बेकार खाना, ओहियात खाना माना जाएगा, ठीक है। इसीलिए प्रोटीन को हाई क्वालिटी के बात में की जाती है, फर्स्ट रैंक की बात की जाती है, उत्तीर्ण, प्रथम, है ना, ऐसी बात की जाती है प्रोटीन के बारे में। तो वो मीनिंग है प्रोटियोसिस का, फर्स्ट रैंक, फर्स्ट कैटेगरी का चीज, फर्स्ट रैंक का चीज, फर्स्ट क्वालिटी का चीज, ठीक है ना, ये मतलब है उसका, प्री एमिनेंट, उत्तीर्ण, प्रथम, चरम, पहला स्थान का, यह है प्रोटीन का मतलब, जो कि आप खाने से समझ सकते हो, जिस खाने में प्रोटीन ज्यादा है उस खाने की क्वालिटी उतनी अच्छी है, ठीक है। यह हो गया प्रोटीन के बारे में। अब देखो टाइप्स ऑफ प्रोटीन बताता हूं मैं, जितना आपको समझना है, बाकी और भी सारी चीजें स्ट्रक्चर के आधार पर प्रोटीन को डिवाइड किया जाता है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, क्वार्टरनरी, वो वाला नहीं समझाऊंगा आपको, सिंपल प्रोटीन, कंजुगेटेड प्रोटीन और डिराइव्ड प्रोटीन समझा देता हूं, ठीक है, जो कि इससे आपको बहुत क्लियर हो जाएगा प्रोटीन के बारे में, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ प्रोटीन, टाइप्स ऑफ प्रोटीन में बात करूं तो क्या हो सकते हैं, सिंपल प्रोटीन हो सकते हैं, साधारण प्रोटीन लिख सकते हैं, साधारण प्रोटीन, कंजुगेटेड प्रोटीन हो सकते हैं, कंजुगेटेड प्रोटीन मतलब कॉम्प्लेक्स प्रोटीन, यह है जटिल प्रोटीन है, ये दिस इज जटिल प्रोटीन, जटिल है, कॉम्प्लेक्स है, ये सिंपल प्रोटीन है, ठीक है, कॉम्प्लेक्स भी लिख सकते हो, जटिल प्रोटीन भी यहां लिख सकते हो, ठीक है। और ये है एक तरीके से डिराइव प्रोटीन, व्युत्पन्न, है ना, डिराइव किए गए हैं, जैसे मैंने डिराइव मोनोसेक्राइड बताया था, डिराइव मोनोसेक्राइड, तो डिराइव प्रोटीन, ठीक है, ये डिराइव प्रोटीन तीन प्रकार के हैं, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अब जैसे मैं कुछ चीज बताऊं, सिंपल प्रोटीन क्या होते हैं, सिंपल प्रोटीन सीधा समझ जाओ, सिंपल मतलब ऐसा है कि ये एमिनो एसिड, ये एमिनो एसिड, ये एमिनो एसिड, ये एमिनो एसिड, ऐसे चेन बन सकते हैं, ये जुड़ के पेप्टाइड बॉन्ड से, सिंपल है ये, सिंपल चेन बना हुआ है, बस सिंपल, एमिनो एसिड पेप्टाइड बॉन्ड से बना हुआ है, बस इतना ही है, ठीक है, ये सिंपल है, ये सिंपल है। जैसे सिंपल प्रोटीन में आपको बताऊं, सिंपल प्रोटीन में एक एग्जांपल पढ़ना भी आपको, पेप्सिन, आपको पता होगा पेप्सिन, प्रोटीन डाइजेशन स्टमक में, याद है पढ़ाऊंगा, डाइजेशन माने दीजिए, पेप्सिन सिंपल प्रोटीन है, पेप्सिन सिंपल प्रोटीन। आप जानते हो कि हर हर एंजाइम जो होते हैं प्रोटीन होते हैं, आपको पता होगा, मैंने बताया भी, हर एंजाइम प्रोटीन होते हैं, ठीक है, एक्सेप्ट राइबोजाइम जो कि एक आरएनए है, ठीक है, मैंने बताया था आपको, बहुत बार समझाया कि ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन बट वाइस वर्सा इज नॉट ट्रू, उल्टा नहीं हो सकता है, एंजाइम्स प्रोटीन होते हैं लेकिन हर प्रोटीन एंजाइम हो, नो नो नो, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन एक्सेप्ट राइबोजाइम, एक्सेप्ट राइबोजाइम, ऑल एंजाइम्स प्रोटीन होते हैं, तो पेप्सिन एक एंजाइम है और एक प्रोटीन भी है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन, एंजाइम पढ़ाऊंगा तो फिर बताऊंगा, ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन बट वाइस वर्सा इज नॉट ट्रू, ध्यान रखना है, प्रोटीन सारे एंजाइम नहीं होते हैं,
बट इंजाइम्स प्रोटीन होते हैं एक इंजाइम को छोड़ के, जो कि राइबोजाइम है, जो कि एक आरएनए है, राइबो न्यूक्लिक एसिड है, एक तरीके से आप समझ सकते हो राइबो न्यूक्लिक एसिड है वो, राइबोजाइम जो बात कर रहा हूं मैं, तो वो प्रोटीन ही है ना, इसीलिए तो ये इसलिए एक एक्सेप्शन है, बाकी चीजें आप समझ रहे हो, मैंने बार बार बोला है क्योंकि दिमाग में घुस जाए आपके, ठीक है। तो ये दे आर कंपोज्ड ऑफ ओनली एमिनो एसिड, ये सिर्फ क्या होता है, सिंपल प्रोटीन जो होते हैं सिर्फ एमिनो एसिड से बना हुआ है, दे आर कंपोज्ड ऑफ ओनली एमिनो एसिड, ओनली एमिनो एसिड से बने होते हैं ये एमिनो एसिड, सिंपल प्रोटीन ओनली एमिनो एसिड से कंपोज्ड होते हैं, बने होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। जनरली बात करोगे पानी में घुलनशील होते हैं, कभी भी आ सकता है, जनरली सॉल्युबल इन वाटर, सॉल्युबल इन वाटर, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट पे तो क्वेश्चन आ चुका है कि सॉल्युबल होते हैं कि नहीं होते हैं, मैंने बता दिया था, ये यूपीएससी में भी क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है ना, इसलिए मैं बता दे रहा हूं, सिंपल सॉल्युबल इन वाटर, ये जो है दो प्रकार के हो सकते हैं, ये दो प्रकार के हो सकते हैं, ये यही लिख देता हूं, ठीक है, टू टाइप्स क्या हो सकते हैं, एक फाइबरस हो सकते हैं, रेसेदार फाइबरस हो सकता है, रेसेदार हो सकता है, ग्लोबुलर हो सकता है, स्पेरिकल हो सकता है शेप में, ठीक है, रेसादार रेसा के टाइप का हो सकता है, या ग्लोबुलर मतलब कि एक तरीके से स्पेरिकल शेप में भी हो सकते हैं, ठीक है, ग्लोबुलर का मतलब स्पेरिकल शेप, ठीक है, और फाइब्रस भी हो सकते हैं, रेसेदार रेसा होता है ना, रेसा, उस तरीके से टू टाइप्स में आप पढ़ सकते हो, ठीक है, ठीक है। और फाइब्रस प्रोटीन में जैसे बताऊं स्क्लेरो प्रोटीन होते हैं, ये अभी बताऊंगा मैं, अभी SCELERO स्क्लेरोप्रोटीन ये मैं बताऊंगा, अभी चिंता नहीं करना है, स्क्लेरोप्रोटीन में बताऊं, फाइब्रस में फॉर्म में बता रहा हूं, स्क्लेरोप्रोटीन, तो फाइब्रस प्रोटीन्स जैसे कि स्क्लेरोप्रोटीन में क्या क्या आ जाएंगे, जो रेसेदार होते हैं, रेसेदार है ना, रेसा होता है उनमें, फिलामेंट्स के फॉर्म में बात कर सकते हो, रेसेदार फाइब्रस प्रोटीन में कोलाजन है, आपने नाम सुना है, मैंने बार बार बताया है, कोलाजन है, इलास्टिन है, इसलिए मैं पढ़ा रहा हूं कि इन प्रोटीन से आप वाकिफ हो जाए, केराटिन है, आपने नाम सुना होगा केराटिन वगैरह के बारे में, ठीक है, केराटिन है, इन आपने नाम सुना है इन चीजों के बारे में, ऐसा नहीं है कि आप नाम नहीं सुने होंगे, पक्की बात आपने सुना है और इसके बारे में आपको जानना है, ठीक है। तो कोलाजन ये हो गया, अब देखिए अब वो मैं बता दूं कि कोलाजन के बारे में मैंने बताया था आपको, कोलाजन क्या होता है, मोस्ट एबंडेंट प्रोटीन है ह्यूमन में, और मोस्ट एबंडेंट प्रोटीन है कहां पे, एनिमल वर्ल्ड में, एनिमल वर्ल्ड में मोस्ट एबंडेंट है, पूरे एनिमल में मोस्ट एबंडेंट सबसे ज्यादा कोलाजन, और ह्यूमन में भी सबसे ज्यादा कोलाजन, ठीक है, इतना ध्यान रखना है। इलास्टिन प्रोटीन की बात मैं कर रहा हूं अभी, केराटिन प्रोटीन की बात करूं, केराटिन प्रोटीन आपने सुना होगा, अल्फा केराटिन के बारे में आपने सुना होगा, अल्फा केराटिन, केराटिन के भी टाइप होते हैं, मैं उतना डिटेल में नहीं जाऊंगा, पर इतना समझ लो केराटिन वगैरह आपने सुना होगा कि हेयर में, बाल में, नेल में, नेल वगैरह आपने सुना होगा, नाखूनों में है ना, स्केल में, स्केल जो होते हैं, हॉर्न जो होते हैं, हॉर्न सिंह जो होते हैं गाय भैंस के, हुफ जो होते हैं उनके, खुर जो होते हैं है ना, फेदर्स वगैरह में आपने सुना होगा, ये सारी जगहों पे, क्लॉ वगैरह में सुना होगा आपने पक्षियों के, वहां पे हार्डनेस होती है, देखा होगा बहुत हार्ड होते हैं, नाखून बहुत हार्ड होते हैं, केराटिन प्रोटीन होता है उसके अंदर, ये इसलिए, ठीक है। लेकिन हार्डनेस जो केराटिन के अंदर है वो क्यों है, हार्डनेस जो केराटिन के अंदर है क्योंकि सिस्टीन एमिनो एसिड, वही एमिनो एसिड ग्लूटाथियोन वाला, सिस्टीन एमिनो एसिड इसके अंदर में होता है, इसके कारण केराटिन हार्ड होता है, इसके कारण, और इसी के कारण जब केराटिन हार्ड है तो हमारा नाखून बाल सारे इतने हार्ड होते हैं, इसी के कारण, ये आपको जानना जरूरी है, ठीक है। तो सिस्टीन एमिनो एसिड इसके स्ट्रक्चर में पाया जाता है, केराटिन के अंदर सिस्टीन एमिनो एसिड जो ग्लूटाथियोन में मैंने बताया था, वही एमिनो एसिड इसके अंदर पाया जाता है, और उसी कारण केराटिन हार्ड होते हैं, एकदम कठोर होते हैं, ठीक है ना, ठीक है। और आप जानते हो कि केराटिन हार्ड है, उसके कारण हमारे नेल वगैरह हार्ड है, क्योंकि यहाँ पे नेल स्किन, यहाँ पे बाल में, हूफ में, उसका सिंग में, आपने देखा होगा गाय भैंस का सिंग में, खुर में, मैंने बता दिया, आप सब समझ चुके हो, ठीक है ना, वो हार्ड है सारे, क्योंकि केराटिन उसके अंदर है, क्योंकि केराटिन में क्या है, सिस्टीन एमिनो एसिड है, इसी कारण केराटिन हार्ड है, और केराटिन हार्ड है तो उसके कारण हमारा नेल वगैरह बाल वगैरह हार्ड होते हैं, स्किन में भी होता है केराटिन, ठीक है, ये रीजन है, ऐसे पढ़ना है, सिस्टीन है तो केराटिन हार्ड है, और केराटिन हार्ड है क्योंकि केराटिन हमारे बॉडी में डिपोजिटेड होता है, तो जहां जहां है वहां पे वो हार्ड होते हैं चीजें, चाहे नाखून हो, चाहे सिंग हो, चाहे हूफ हो, क्या हूफ हो, खुर हो गाय का, सब जगह आप जान सकते हो, स्किन में भी है ना, क्लॉ वगैरह होते हैं वहां पे भी है, हॉर्न वगैरह है, नेल वगैरह है, वहां पे स्केल्स वगैरह है, वहां पे सब जगह होते हैं, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, केराटिन के बारे में इतना आप ध्यान रखे हो, तो सिस्टीन की बात क्या था, ये तो बार बार मत लिखवाना भाई, सिस्टीन की बात कर रहा हूँ, यही एमिनो एसिड की बात कर रहा हूँ, यहाँ होता है और इसके कारण केराटिन हार्ड होता है, और जब केराटिन हार्ड होता है तो जहां जहां केराटिन होगा वहां वहां वो हार्डनेस डालेगा, जैसे स्किन नेल की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब मैं आपको बताऊं ये प्रोटीन के बारे में, पहले हम लोग सिंपल प्रोटीन समझ ले फिर से, ठीक है, मैं लिख देता हूं कौन कौन सा सिंपल प्रोटीन में आते हैं, मैं पहले लिख दूं, और ये दो टाइप के होते हैं, फाइब्रस ग्लोबुलर, मैं इसके अंदर डिवीजन नहीं करूंगा ज्यादा कि कौन कौन है, मैंने फाइब्रस में आपको बता दिया,
ठीक है, ये आपसे उतना हस्तक तक नहीं पूछा जाएगा, लेकिन फिर भी सिंपल प्रोटीन है तो इसका डिवीजन आप समझ लो। इनका डिवीजन आपको नहीं समझाऊंगा अंदर डिटेल में क्या डिवीजन है, ठीक है, इनका भी डिवीजन होता है, ठीक है, बट मैं सिंपल प्रोटीन का आपको बता देता हूं। देखो सिंपल प्रोटीन में मैं आपको बताऊं तो सिंपल प्रोटीन में बहुत सारे है, जो मैं आपको नाम लिया भी है, आपने सुना भी है सिंपल प्रोटीन के बारे में। रूबिस्को वगैरह आपने नाम सुना होगा, रूबिस्को मैंने बताया था सिंपल प्रोटीन में आता है। एल्ब्यूमिन नाम सुना आपने, एल्ब्यूमिन आपने नाम सुना होगा, एल्ब्यूमिन वो भी सिंपल प्रोटीन में आता है। ग्लोबिन हेमोग्लोबिन का, वो भी ग्लोबिन सिंपल प्रोटीन में आता है, ठीक है। हिस्टोन वगैरह आपने नाम सुना होगा, वो भी सिंपल प्रोटीन में आता है। प्रोटामिन नाम सुना होगा आपने, वो भी सिंपल प्रोटीन में आता है। प्रोटामिन आप बताऊंगा प्रोटामिन क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है प्रोटामिन, वो भी सिंपल प्रोटीन में आता है, ठीक है। प्रोलामिन वो भी सिंपल प्रोटीन में आते हैं, ठीक है। लेक्टिन वो भी सिंपल प्रोटीन में आते हैं। ओसिन ये भी सिंपल प्रोटीन में आते हैं। ये सारी सिंपल प्रोटीन का पार्ट है, सोच लो, तो लिख लो सिंपल प्रोटीन का एग्जांपल। यहां से आपको क्लियर रहेगा कि मैंने क्या पढ़ाया कैसे पढ़ाया, ठीक है। तो लिखो क्या है पहला, जैसे कि मैंने आपको बताया कि कोलाजिन इसी के अंदर है, फाइबर्स में मैंने बताया था, तो मैं आप जनरल आपको लिख दे रहा हूं, ठीक है, या जनरल नहीं तो आप बोलो तो मैं वो भी लिख दूंगा। पहले ऐसे नॉर्मल समझ लो, फिर मैं डिवीजन बता दूंगा कौन किस में लाई करता है, फाइबर्स कौन है और ग्लोबुलर कौन है। सिर्फ सिंपल में डिवीजन बता रहा हूं, बाकी में डिवीजन आपको नहीं समझना है, डिटेल उतना नहीं जाना, ठीक है। तो रूबिस्को देख लो, एल्ब्यूमिन देख लो, ठीक है ना। जैसे एल्ब्यूमिन है, कहां कहां होता है एल्ब्यूमिन बता दूंगा, ग्लोबिन है हेमोग्लोबिन वाला, रूबिस्को है, रूबिस्को मैंने बताया था, रूबिस्को याद होगा आपको, ठीक है ना, रूबिस्को। प्रोटामिन है, प्रोटामिन्स, प्रोलामिन्स, लैक्टिन्स है, ठीक है, ये सारे रूबिस्को वगैरह प्रोटामिन वगैरह। अभी गेहूं वगैरह में क्या प्रोटीन होता है सब खुलेगा यही पोल, ठीक है ना, तो ये आपको ध्यान रखना है। हिस्टोन, हिस्टोन भी इसी में आता है, हिस्टोन प्रोटीन आपको बताया था मैंने कि क्रोमोसोम में होता है, यूकैरियोट के क्रोमोसोम में हिस्टोन होता है, प्रोकैरियोट में हिस्टोन प्रोटीन नहीं होता है, हिस्टोन। ओसिन भी होता है, यहाँ पे लिख सकते हैं ओस्टीन, ओसिन वगैरह, ओसिन प्रोटीन बोन में होता है, कॉन्ड्रिन वगैरह होते हैं जो कार्टिलेज में होते हैं, सब इधर ही घुसे हुए हैं, ठीक है ना। उतना डिटेल में नहीं जाना है कि अंदर क्या क्या स्ट्रक्चर है, पर फिर भी आपको इतना ध्यान रखना है कि कैसे कैसे इसमें आएंगे, ठीक है। तो सिंपल प्रोटीन में सारे आते हैं, सोच लो सारे सिंपल प्रोटीन का पार्ट है, सबके सब सिंपल प्रोटीन में आते हैं, ठीक है। अब सिंपल प्रोटीन में फाइब्रस कौन है और ये कौन है, इसके हिसाब से आपको समझना है। तो फाइब्रस में देखो, फाइब्रस में कोलाजन भी इसी के अंदर है, कोलाजन में लिखोगे ना, कोलाजन मैंने बताया, इलास्टिन मैंने बताया, कोलाजन, इलास्टिन, केराटिन सब इसी का सिंपल है, लेकिन सिंपल भी दो भाग में बताया, फाइब्रस और ग्लोबुलर, दो भाग में बताया ना, तो इसमें समझ लो कौन फाइब्रस है कौन ग्लोबुलर है। यहाँ पे कोलाजन भी लिख लो, कोलाजन भी था ना सिंपल प्रोटीन में, मैंने बात किया था फाइब्रस में उसको, ठीक है। तो कोलाजन, इलास्टिन सब सिंपल प्रोटीन है, सिंपल कोई पूछेगा तो यही, केराटिन सब सिंपल है। अब वो बात की बात है कि भैया कौन ग्लोबुलर है कौन फाइब्रस है, ये बात की बात है कि उसमें डिवीजन में कौन कौन एग्जांपल आते हैं, लेकिन ये सब सिंपल प्रोटीन है, ठीक है। आपने नाम सुना है, सबका नाम सुना है, मैक्सिमम लोगों का नाम सुना है आपने, ठीक है ना। तो इसमें मैं फाइब्रस प्रोटीन की बात करूं, फाइब्रस कौन है सुन लो, फाइब्रस कौन है, तंतु में फिलामेंट वाले, है ना, तंतु में बोल सकते हो, फिलामेंट वाले रेसेदार बोल सकते हो फाइब्रस प्रोटीन, ठीक है। तो सिंपल प्रोटीन में मैंने दो एग्जांपल बताया था, फाइब्रस होते हैं, फाइब्रस, और एक होता है ग्लोबुलर, मतलब गोलाकार स्पेरिकल, ग्लोबुलर, ठीक है। फाइब्रस मतलब तंतु में रेसेदार, है ना, वो समझ सकते हो, फिलामेंटस, और ये ग्लोबुलर मतलब कि स्पेरिकल, ठीक है, गोलाकार उस तरीके के प्रोटीन। तो कौन कौन है फाइब्रस में आएगा, कौन कौन है इसमें आएगा, तो कोलाजन इसमें आएगा, मैंने बताया, केराटिन इसी में आएगा फाइब्रस में, ठीक है, और इलास्टिन इसी में आएगा, इलास्टिन आएगा, और कौन आएगा, आपने नाम सुना इलास्टिन, केराटिन, मायोसिन का नाम सुना आपने, मायोसिन वो भी इसी के अंदर आता है, मायोसिन भी इसी के अंदर आता है, आपको ध्यान रखना है, मायोसिन भी इसी के अंदर आता है। मायोसिन कहां होता है, मायोसिन अरे मसल वगैरह में होता है, मायोसिन मसल में होता है, ठीक है ना। मायोसिन एक्टिन का नाम आपने सुना होगा, मायोसिन एक्टिन में फिलामेंट्स होते हैं। ओसिन प्रोटीन ये बोन में होता है, ओसिन बोन में होता है, आपको ध्यान रखना है, ओसिन बोन में होता है, मैंने यहां नहीं लिखा है, ओसिन भी इसी सिंपल का ही पार्ट है, यहां पे ओसिन लिख सकते हो, मायोसिन भी लिख सकते हो, यहाँ पे लिख लो सिंपल प्रोटीन में, और एग्जांपल लिख लो सिंपल में, ये लिखा है मैंने, ओसिन भी लिख लो, ये सब सिंपल है, ओसिन मायोसिन लिख लो, सब सिंपल है। अब अलग बात है कि मैं डिवीजन करके दिखा रहा हूं कि फाइब्रस में कौन है ग्लोबुलर में कौन है, क्योंकि सिंपल प्रोटीन दो पार्ट में होते हैं, फाइब्रस ग्लोबुलर, लेकिन ये सारा सिंपल है। अब ये मैं डाल रहा हूं कि कौन फाइब्रस है कौन ग्लोबुलर है, ये डिफरेंस आपको बता दे रहा हूं, बस ये बात की बात है, ठीक है। तो कोलाजन, इलास्टिन, क्या कहते हैं, केराटिन, मायोसिन, ओसिन, ये सारे के सारे क्या है, ये सब के सब किस में आते हैं, आपको फाइब्रस में आते हैं। ग्लोबुलर मतलब कि ग्लोबुलर में स्पेरिकल शेप में कौन आते हैं, स्पेरिकल शेप में एल्ब्यूमिन, उसमें एल्ब्यूमिन उठाओ, एल्ब्यूमिन इसमें आ गया, एल्ब्यूमिन का डिवीजन इसमें है, ठीक है, एल्ब्यूमिन इसमें आता है, ग्लोबुलिन इसी में आता है,
ग्लोब्यूलिन, बाकी जो बच्चे इसमें आएंगे हिस्टोन वगैरह भी इसमें आता है। हिस्टोन, हिस्टोन प्रोटीन आपने सुना होगा, डीएनए, डीएनए वाला, डीएनए से हिस्टोन जुड़ता है, उसी पे लपेटे जाते हैं, क्रोमोसोम बनता है, गुणसूत्र, ठीक है, बताऊंगा अभी तो बहुत। प्रोटामीन वगैरह इसी में आते हैं जो मैंने लिखा है, प्रोटामीन, प्रोटामीन इसी में आते हैं, प्रोटामीन, ठीक है, प्रोलामीन भी इसी में आते हैं, प्रोलामीन, प्रोलामीन इसी में आते हैं, ठीक है, ये सारे डिवीजन हो गया, ठीक है। अब आपको इतना ध्यान रखना है कि ये डिवीजन है, अब मैं इसमें एक एक करके आपको थोड़ा थोड़ा बता देता हूं। देखो यहां पे सुनो, एल्ब्यूमिन की सुनो, एल्ब्यूमिन, एल्ब्यूमिन की क्या कहानी है, एल्ब्यूमिन जो है आपको कैस्टर सीड जो होता है ना, रेंडी का जो बीज होता है ना, कैस्टर सीड, रेंडी का जो बीज होता है उसमें मिल जाएगा एल्ब्यूमिन, ठीक है, वहां पर मिल जाएगा एल्ब्यूमिन, ठीक है, सुनते जाओ, कैस्टर सीड में मिल जाएगा, यही लिखूं क्या कि अलग से लिखूं, ठीक है, ऐसे लिख दूं कि बोलना पड़ेगा आपको, चलो लिख देता हूं मैं, यहां मिटा लेता हूं, यहां लिख देता हूं, ये तो कहोगे कि कितना लिखूं, बट आप लगा लिखोगे तो ज्यादा अच्छा है, मैं बोल दूं तो उससे टाइम भी बचेगा और आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी, ठीक है। देखो एल्ब्यूमिन की बात करें, उससे पहले मैं ये वाला डिवाइड कर देता, कोलाजन के, मैंने कोलाजन के बारे में आपको बताया था, याद है, कोलाजन जो होते हैं मोस्ट एबंडेंट, सब कुछ मैंने बता दिया, डर्मिस में होता है ये, एपिडर्मिस, डर्मिस होता है तो डर्मिस लेयर में होता है ये, डर्मिस लेयर क्या होता है मैं स्किन में पढ़ाऊंगा, पर डर्मिस लेयर में होते हैं, ठीक है, कोलाजन प्रोटीन, और कोलाजन प्रोटीन की ये खास बात है कि डर्मिस में होते हैं और ये कनेक्टिव टिश्यू, हमारे उत्तक चार प्रकार के होते हैं, उसमें से कनेक्टिव टिश्यू एक है, कनेक्टिव टिश्यू में होता है ये कोलाजन, ठीक है, तो ये फाउंड इन डर्मिस, ये जो है डर्मिस में मिलता है कोलाजन, जो है कोलाजन जो फाउंड इन डर्मिस लेयर स्किन, फाउंड इन डर्मिस लेयर, डर्मिस लेयर में मिलता है, ठीक है, और कनेक्टिव टिश्यू में पाया जाता है, ये टिश्यू पढ़ाऊंगा मैं, एपिथेलियल कनेक्टिव कार्डियक टिश्यू होते हैं, मस्कुलर टिश्यू होते हैं, तो कनेक्टिव टिश्यू में पाया जाता है, मेन पार्ट ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है, और कनेक्टिव टिश्यू का मेन पार्ट है, बस इससे आपको यह ध्यान रखना है कि जितना ज्यादा कनेक्टिव टिश्यू में डिपोजिशन होगा कोलाजन का, उतना ही वो हार्ड चीज होगी, उतना ही स्ट्रांग चीज होगी, उतना ही कठोर होगा, मतलब उतना ही स्ट्रांग होगा, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो कोलाजन प्रोटीन स्किन में है, आप वही जानते हो, चमड़ी से आप जानते हो कि लेदर से बनती है, बहुत सारे जूते वगैरह, पर्स वगैरह बनते हैं, तो चमड़ी होता है ना, बहुत एनिमल्स का होता है, जानवरों का, तो उनके चमड़ी में डर्मिस होगा, जानती बात, जाहिर सी बात है डर्मिस होगा, तो डर्मिस लेयर में कोलाजन होगा, और जितना ज्यादा कोलाजन होगा उतना वो क्या होगा, हार्ड होगा वो, तो उतनी हार्डनेस उसके जूता वगैरह बनता है, तो उस सारी चीज आप समझ सकते हो, जितना ज्यादा कोलाजन होगा स्किन डर्मिस में या कनेक्टिव टिश्यू में, उतना ही हार्डनेस होगी, उतना ही स्ट्रांग होगा, तो उससे अगर अब उस चमड़ी से अगर जूता बनाओगे, चप्पल बनाओगे, या पर्स बना रहे हो, बेल्ट बना रहे हो, कुछ भी बना रहे हो, तो वो उतना ही स्ट्रांग होगा, उतना ही हार्ड होगा वो सारी चीजें, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। गाय भैंस का जानते हो ना, लोग चमड़ी यूज करते हैं, भेड़ वगैरह का, तो सारे लोगों की चमड़ी में डर्मिस तो होगा ही, और कनेक्टिव टिश्यू होगा ही, कनेक्टिव टिश्यू होगा तो उसमें कोलाजन होगा ही, अब कितना ज्यादा कोलाजन है उस पे डिपेंड करता है, कि ज्यादा कोलाजन है तो उतना ही स्ट्रांग होगा, उतना ही हार्ड होगा, आप उससे अगर बनाते हो कोई चीज को, पर्स वगैरह बनाते हो, बेल्ट वगैरह, जूता वगैरह, वो तो नहीं स्ट्रांग होंगे, ये एक बात होगी, ठीक है। कनेक्ट कोलाजन के बाद इतना ही आपको ध्यान रखना, बाकी मैंने और भी चीज आपको बता दी है कि कहां पाया जाता है, कैसे पाया जाता है, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद देखो, उसके बाद मैं बात करूं कोलाजन केराटिन की, तो केराटिन मैंने बता दिया आपको, केराटिन कहां पे, जैसे कि नेल में, हूफ में, है ना, स्केल में, स्केल में, उसके बाद स्किन में, ठीक है, इस सब जगह क्या है, उसके बाद इसके नेल हो गया, हूफ हो गया, स्केल हो गया, स्किन हो गया, ये जहां जहां आप देख रहे हो सब जगह क्या है, केराटिन है, केराटिन प्रोटीन होता है, ठीक है, अल्फा केराटिन के फॉर्म में नेल वगैरह में बोला जाता है, अल्फा केराटिन, इसमें भी टाइप होते हैं, अल्फा ध्यान रखना, इसके अल्फा होते हैं, ठीक है, नेल वगैरह में, हूफ वगैरह में अल्फा केराटिन, ठीक है, ये हार्ड होता है केराटिन, आप देखते हो इस नेल जो नाखून है कितना हार्ड है, तो क्यों है मैंने बता दिया, सिस्टीन एमिनो एसिड्स के अंदर होता है, तब जाके केराटिन हार्ड होता है, और ये जहां जहां पाया जाएगा वो सारे चीज हार्ड होते हैं, चाहे बाल हो, अरे हेयर भी तो होता है ना, हेयर, ठीक है, ये हेयर ही तो लिखा मैंने, हेयर, बाल वगैरह में, ठीक है, हूफ, स्केल, स्किन, है ना, हूफ वगैरह, सिंग वगैरह, है ना, हॉर्न वगैरह, आपने देखा गाय भैंस का, सब जगह वहीं पाया जाता है, ठीक है, और हार्ड क्यों है मैंने बता दिया, सिस्टीन एमिनो एसिड केराटिन के अंदर होता है, उसके कारण हार्डनेस है, ये हो गया केराटिन के बारे में। इलास्टिन प्रोटीन, कोलाजन और इलास्टिन जस्ट एक दूसरे के उल्टा है, कोलाजन जहां रहेगा वो हार्डनेस प्रदान करेगा, इलास्टिन जहां रहेगा वहां पे सॉफ्टनेस प्रदान करेगा, सॉफ्टनेस इन द सेंस की, सॉफ्टनेस इन द सेंस की बता दे रहा हूं आपको सॉफ्टनेस के बारे में, ठीक है, इलास्टिन से आप समझ सकते हो इलास्टिसिटी, देखिए रबर है ये आसान, देखो इलास्टिसिटी, ठीक है, ये इलास्टिन, अगर इलास्टिन प्रोटीन है तो रबर के एक तरीके से फैलेगा, इसमें फैलना आएगा, ठीक है ना, एक्सपैंड हो रहा है ये ना, इलास्टिन प्रोटीन, जैसे आप स्ट्रेच कर रहे हो, छोड़ रहे हो तो आपने पास आ जा रहा है, इलास्टिसिटी, तो इलास्टिन, इलास्टिन प्रोटीन जहां होंगे, अब हमारे बॉडी में कहां का इलास्टिन चाहिए, अरे चाहिए भैया, चाहिए, बीपी को कंट्रोल करना है, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करना है, तो मान लो ऐसा हुआ कि बीपी बढ़ गया,
तो हमारे ब्लड वेजल्स में क्या होना चाहिए, हमारे धमनिया में क्या होना चाहिए? अगर बीपी बढ़ चुका है तो हमारे ब्लड वेजल्स को एक्सपैंड करना चाहिए, तो एक्सपैंड होंगे तो भैया प्रेशर कम हो जाएगा हमारे, है ना। और इससे क्या होगा कि प्रेशर कम हो जाएगा तो हमारी बीपी फिर से कंट्रोल हो जाएगी, अगर बीपी बढ़ा हुआ है। अगर बीपी कम है, बीपी कम हो चुका है, तो बीपी को कम हो चुका है तो ऊपर करना है तो क्या करना है, बीपी को नॉर्मल लेवल पे लाना है तो क्या करना है, हमारे ब्लड वेजल्स को कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। वैसो कंस्ट्रिक्शन मैंने बताया था, वैसो डाइलेशन, तो वैसो कंस्ट्रिक्ट करते हैं, ब्लड वेजल्स को कम करते हैं, छोटा करेंगे, पतला करेंगे, डायमीटर कम होगा, कंस्ट्रिक्ट होगी ये, तो क्या होगा, क्या होगा, जो बीपी कम है वो बढ़ जाएगी, प्रेशर बढ़ जाएगा यहाँ पे, है ना। ऐसे कम करोगे तो प्रेशर बढ़ जाएगा, ठीक है। तो ये ब्लड वेजल्स धमनियां ऊपर नीचे हो रही हैं, क्यों हो रही हैं, श्रिंक क्यों कर रही हैं, डायलेट क्यों कर रही हैं, ठीक है। इलास्टिन प्रोटीन है उसके अंदर में, इसलिए ये खासियत है, तब जाके तो हुआ। तो इलास्टिन प्रोटीन, टेंडन वगैरह आपने नाम सुना, टेंडन वगैरह है ना, लिगामेंट टेंडन आपने सुना होगा, तो बोन टू मसल आपने सुना होगा कि लिगामेंट जोड़ते हैं, आपको पता होगा, और फिर मसल टू मसल आपको पता होगा टेंडन्स वगैरह होते हैं, तो टेंडन्स जो होते हैं उसमें भी इलास्टिन प्रोटीन होता है। वीन्स जो होते हैं, वीन आपने सुना होगा, वीन जिसमें ब्लड मूव करती है, और किस प्रकार की ब्लड मूव करती है बात की बात है, बट वीन्स लिखोगे यहाँ पे, इलास्टिन प्रोटीन वीन्स वगैरह में, टेंडन वगैरह में आने, तो टेंडन लिगामेंट पढ़ाऊंगा मैं, सिंपल सी चीज है, ठीक है। उसके बाद यूट्रस, बच्चा जब होता है, यूटेरस जो बच्चादानी होती है, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, बच्चा जब होता है तो क्या होता है, एक्सपेंशन होती है ना यूट्रस की, फैलता है ना ऑक्सीटोसिन के प्रभाव में, आपने सुना होगा। तो क्यों यूट्रस क्यों फैलता है, बच्चा जब होने वाला रहता है, ठीक है, चाइल्ड बर्थ के दौरान, क्योंकि इलास्टिन प्रोटीन है उसके अंदर में, तब तो जाके इलास्टिसिटी आ रही है सारी चीजें, इलास्टिसिटी, ठीक है। तो ये आपको समझ ला। इंटेस्टाइन वगैरह आपने नाम सुना, इंटेस्टाइन आंत वगैरह, इंटेस्टाइन भी तो देखो फूट जाता है, तो वो कॉन्ट्रेक्शन उसके अंदर होता है, एक्सपेंशन कॉन्ट्रेक्शन होता है, फूट जब उसके अंदर जाता है आंतों में, तो वो भी तो कम ज्यादा हो रहा है, कम ज्यादा हो रहा है, इलास्टिसिटी उसमें भी है, इलास्टिन प्रोटीन, ठीक है। तो इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन उसमें भी है, यूरिनरी ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर जिसमें आप यूरिन को होल्ड करके रखते हैं, तो वो भी तो है, यूरिन कितना ज्यादा है उस हिसाब से उसका साइज बढ़ जाएगा, कितना होल्ड करके रखा है यूरिन। मिच्यूरेशन एक प्रोसेस है जिसके में एक्ट ऑफ पासिंग यूरिन बोलते हैं, जो यूरिन पास करने का जो एक्ट होता है उसको मिच्यूरेशन बोलते हैं। तो यूरिनरी ब्लैडर में कितना टॉयलेट, कितना यूरिन है, उसके हिसाब से उसका साइज कम ज्यादा होगा ना, तो फैल ज्यादा रहा है, क्यों हो रहा है, इलास्टिसिटी है तभी तो, इलास्टिन प्रोटीन। ये सारी चीज आपको इतना ध्यान रखना है बस, इससे ज्यादा आपको कुछ नहीं ध्यान रखना है, इससे ज्यादा सोचना भी नहीं आपको, ठीक है, जितना मैंने आपको बता दिया, ठीक है। केराटिन की बात, केराटिन मैंने समझा दिया, केराटिन, ठीक है। तो ये बहुत रेजिस्टेंट होता है केराटिन, है ना, केराटिन बहुत हार्ड होता है, बहुत रेजिस्टेंट होता है, बहुत स्ट्रांग है, वाटर प्रूफ होता है ये, क्योंकि मैंने बताया स्ट्रांग क्यों है, क्योंकि इसके अंदर सिस्टीन एमिनो एसिड है, वो इसको हार्डनेस दे रहा है, ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और इसमें सल्फर भी प्रेजेंट होता है केराटिन में, इसमें सल्फर सिस्टीन है ना, सिस्टीन एमिनो एसिड में सल्फर होता है, मैंने ग्लूटाथियोन में समझाया था उसका फायदा क्या है। तो अगर सिस्टीन केराटिन में है और सिस्टीन में सल्फर होता है, तो यहाँ पे भी तो सल्फर होगा, गंधक होगा, गंधक होगा ना, तो ये समझ सकते हो कि सिस्टीन है इसके अंदर और सिस्टीन में सल्फर होता है, तो सिस्टीन में सल्फर है तो केराटिन में भी सल्फर होगा, क्योंकि सिस्टीन केराटिन के अंदर होता है, पाया जाता है, तो गंधक भी यहाँ पे है। इसीलिए बाल वगैरह जलते हैं ना, नाखून वगैरह जलाओगे, बाल वगैरह जलाओगे तो गंधक की महक आती है, क्योंकि सल्फर होता है बाल वगैरह में, क्यों, क्योंकि केराटिन है बाल में, बाल में केराटिन है और केराटिन में सिस्टीन है और सिस्टीन में सल्फर है, तो सल्फर जलेगा, गंधक जलेगा तो महक आएगी ना, तो बाल जलाते तो महक नहीं आती है, स्किन जलाओगे तो महक नहीं आती है क्या, समझ जाओ, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है, ठीक है, बाकी चीजें मैं आपको बताऊंगा। जैसे राइनोसरस की बात, तो राइनोसरस मैंने बताया था पिछली क्लास में, गेंडा, उसका सिंग होता है, उसका सिंग से सेक्सुअल स्टिमुलेंट बनता है, इसलिए उसकी तस्करी होती है, लोग मारते हैं उसको, पोचिंग करते हैं, ठीक है ना। काजीरंगा नेशनल पार्क बात करूंगा एनवायरमेंट इकोलॉजी में, वो सिंग नहीं है, पता है, वो सिंग नहीं है, वन हॉर्न राइनोसरस का सिंग नहीं है, वो एक्चुअली बाली होता है, बाली है वो, हेयर है, लेकिन इतना ज्यादा केराटिन उसके अंदर डिपॉजिट हो गया है, इतना ज्यादा केराटिन डिपॉजिट हो गया है कि वो बाल नहीं, सिंग जैसा लगता है कि भैया बहुत कठोर हो गया है, एक्चुअली बाल है वो, बट केराटिन का डिपोजिशन बहुत ज्यादा हो गया है, इसके कारण वो हार्ड हो जाता है ना। गेंडे का सिंग, राइनोसरस का सिंग की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। तो उसका हेयर ही है, राइनोसेरस का बाल ही है, लेकिन हाईली केराटिनाइज्ड है, हाईली केराटिनाइज्ड है, हाईली केराटिनाइज्ड, ज्यादा केराटिनाइज्ड केराटिन उसके अंदर होता है, इसलिए वो बहुत ही ज्यादा वो दिखता है। मायोसिन की बात करो, मायोसिन जो है आपको कहां मिलेगा, मसल वगैरह में, मसल वगैरह में आपको सुना होगा मायोसिन एक्टिन फिलामेंट्स होते हैं, स्लाइडिंग मैं ज्यादा नहीं जा रहा हूं, फिर क्या है कि ये फिलामेंट थ्योरी है,
स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी होती है मसल के कॉन्ट्रेक्शन के लिए, वो नीट वालों में मुझे पढ़ाना है, ठीक है। बट इतना समझ सकते हो कि मसल में मायोसिन, क्वेश्चन आ सकता है मसल में कौन सा प्रोटीन होता है, मायोसिन, एक्टिन, एक्टिन भी एक प्रोटीन है, एक्टिन वो भी मसल में होता है, ठीक है। तो मसल के कॉन्ट्रेक्शन के लिए, कॉन्ट्रेक्शन के लिए कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन बोलते हैं एक तरीके से, कॉन्ट्रेक्शन के लिए, रिलैक्सेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मसल कॉन्ट्रैक्ट करती है जब आप ये कर रहे हो, रिलैक्स कर रही है, ये सारी चीजें समझ रहे हो ना, मसल कॉन्ट्रेक्शन रिलैक्सेशन, ठीक है, जिम में आप समझ सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया, ये आपको ध्यान रखना है इतना। ओसिन प्रोटीन की बात करूं, ओसिन यहां पे मैंने लिखा है, ओसिन ये कहां पाया जाएगा, ये आपको बोन में पाया जाएगा, जो बोन की स्ट्रेंथ है ओसिन प्रोटीन इसके अंदर होती है, ठीक है, बोन में, है ना, हड्डी में, ये आपको ध्यान रखना है। कार्टिलेज का नाम सुना आपने, कार्टिलेज, एक कार्टिलेज भी, मैं कार्टिलेज जब आऊंगा तो बताऊंगा आपको, कार्टिलेज ये जब शुरुआत में जब बच्चा गर्भ में रहता है तो कार्टिलेज ही उसके अंदर होती है, धीरे धीरे कार्टिलेज बोन में कन्वर्ट हो जाती है। गर्भ में जब बच्चा शुरुआत में रहता है तो 8 वीक तक वो कार्टिलेज रहता है, और 8 वीक के बाद बोन में कन्वर्जन स्टार्ट हो जाता है, ठीक है, बच्चे की, ठीक है, बच्चे के अंदर। तो कार्टिलेज में कौन सा प्रोटीन होता है, कॉन्ड्रिन प्रोटीन होता है, कॉन्ड्रिन, कार्टिलेज में कौन सा प्रोटीन होता है आपको ध्यान रखना है कि कॉन्ड्रिन प्रोटीन इसके अंदर होता है, कॉन्ड्रिन कभी भी आ सकता है, कॉन्ड्रिन प्रोटीन, कॉन्ड्रिन कार्टिलेज में, ठीक है। तो ये जब बच्चा 0 से 8 वीक जब गर्भ में रहता है 8 सप्ताह तक, तो उसमें कार्टिलेज होता है, वही कार्टिलेज 8 वीक के बाद जब बच्चा आगे जाता है, यानी कि 2 महीना, 0 से 2 महीना जब बच्चा, जब अभी माँ के गर्भ से 2 महीना तक हुआ, 2 महीने तक कार्टिलेज होगा, वही कार्टिलेज अब बोन में रिप्लेस हो जाएगा और बोनी स्ट्रक्चर बॉडी के अंदर आने लगती है 2 महीने के बाद जब गर्भ में बच्चा रहता है, ठीक है। तो 2 महीने तक, 0 दिन से 2 महीने तक बात करोगे गर्भ के अंदर तो कार्टिलेजस होता है बॉडी के अंदर, कार्टिलेज होती है, बोन नहीं रहती है, लेकिन 2 महीने के बाद, 2 महीना मतलब 8 सप्ताह होता है ना, इसलिए मैंने 8 वीक भी बोला, 2 महीने के बाद या 8 वीक के बाद वो कार्टिलेज बोन में रिप्लेस हो जाता है। तो बोन में ओसिन प्रोटीन, कार्टिलेज में होगा तो कॉन्ड्रिन प्रोटीन, ठीक है, ये ध्यान रखना है। बस आगे चलो, अब आगे चलते हैं, आगे में आपको क्या समझना है, एल्ब्यूमिन के बारे में समझो। एल्ब्यूमिन, एल्ब्यूमिन क्या है, एल्ब्यूमिन की बात करो तो ये कास्टर सीड, मैंने बताया था कास्टर, रेंडी का जो बीज होता है, कास्टर सीड में मिल जाएगा, कास्टर सीड, ठीक है। और कहां मिलेगा, एग में, एग में मिलेगा, एग में मिलता है ना, एग में, ठीक है। तो ये लिख लो यहां पे, मैं ये तो मैंने पूरा बता दिया ना, ये वाला, अब इसको खत्म करते हैं, ठीक है। एग में मिल जाता है, और कहां मिलता है एल्ब्यूमिन, पता तो होगा, एल्ब्यूमिन की बात कर रहे हैं, एग में मिलेगा, और कहां मिलेगा, ब्लड में, याद है, तो एग में मिलेगा, अंडा में, ब्लड में मिलेगा, ब्लड सीरम में, इनफैक्ट ब्लड में सबसे ज्यादा एबंडेंट प्रोटीन एल्ब्यूमिन ही होता है। ब्लड में सबसे ज्यादा प्रोटीन कौन सा होता है, क्वेश्चन आए तो एल्ब्यूमिन, याद रखना। तो ब्लड सीरम में, एग में है, और कास्टर सीड में मिल जाएगा आपको, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और भी चीजें हैं इसके अंदर, मैं वो उतना नहीं जा रहा हूँ डिटेल में, प्लांट में कहाँ होता है वो सारी चीजें, बट फिर भी इतना आपको ध्यान रखना है बेसिक लेवल पे, ठीक है, इतना आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो इसको जैसे ब्लड में एल्ब्यूमिन है, और जैसे कि मिल्क में भी एल्ब्यूमिन होता है, मिल्क में भी होता है, मिल्क में भी होता है एल्ब्यूमिन, ठीक है। तो ब्लड में एल्ब्यूमिन है, मिल्क में भी एल्ब्यूमिन है, मिल्क में जो एल्ब्यूमिन है उसका नाम है लैक्ट एल्ब्यूमिन, ठीक है ना, इसके अंदर एल्ब्यूमिन का भी नाम होता है, एल्ब्यूमिन तो है लेकिन उसका नाम क्या है, मिल्क में जो है उसको लैक्ट एल्ब्यूमिन बोलते हैं, लैक्ट एल्ब्यूमिन, ठीक है, इसको इस नाम से जाना जाता है। एक वाला ओवा एल्ब्यूमिन के नाम से जानते हैं, ओवा, ओव एल्ब्यूमिन के नाम से जानते हैं, ओव एल्ब्यूमिन। एक में जो एल्ब्यूमिन है उसका नाम क्या है, ओव एल्ब्यूमिन, ओवा एल्ब्यूमिन के नाम से जानते हैं, ओवा एल्ब्यूमिन, ओवा एल्ब्यूमिन और ओव एल्ब्यूमिन के नाम से जानते हैं, ठीक है। ब्लड सीरम में, ब्लड सीरम में भी एल्ब्यूमिन है, एल्ब्यूमिन तो सब जगह है लेकिन सबका नाम अलग अलग है, ठीक है, इसको ध्यान रखना, सबका नाम अलग अलग है। ब्लड सीरम में जो एल्ब्यूमिन है उसको सीरम एल्ब्यूमिन के नाम से जानते हैं, सीरम एल्ब्यूमिन, सीरम एल्ब्यूमिन, ठीक है। तो लैक्ट एल्ब्यूमिन, ओवा एल्ब्यूमिन, ओवा एल्ब्यूमिन एंड ब्लड सीरम में सीरम एल्ब्यूमिन के नाम से, ये एल्ब्यूमिन का ही नाम है, अलग अलग है तो सब में लेकिन क्या नाम है ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद और मैं ग्लोबुलिन की बात कर लूं, तो ग्लोबुलिन वगैरह आपने सुना होगा कि ग्लोबुलिन जो है ये कहां पाया जाएगा, ग्लोबुलिन आपको पता है, ये एंटीबॉडी वगैरह आपने सुना है, एंटीबॉडी, ठीक है, ये एल्ब्यूमिन हो गया, एंटीबॉडी सुना आपने, एंटीबॉडी जो मैंने बताया था इम्यूनिटी में, तो ग्लोबुलिन भी बड़ा टाइप के होते हैं, सुन लो टाइप में कौन कौन से है, अल्फा ग्लोबुलिन की जो बात कर रहा हूं, ये अल्फा है, बीटा ग्लोबुलिन है, गामा ग्लोबुलिन है, ठीक है, गामा ग्लोबुलिन, तीन टाइप के ग्लोबुलिन होते हैं, ठीक है, तीन टाइप के होते हैं। लेकिन अगर गामा ग्लोबुलिन की बात करोगे, गामा ग्लोबुलिन, ये गामा ग्लोबुलिन जो है,
ग्लोब्यूलिन, वो बात कर रहा हूं मैं, यही एंटीबॉडी बनाते हैं जो कि हमारे इम्यूनिटी के लिए रोल निभाता है। ये अल्फा बीटा नहीं, गामा वाले ये एंटीबॉडी बनाते हैं, आपको इतना ध्यान रखना, ठीक है। ग्लोबुलिन बोन मैरो में, लीवर में, ये सारी चीजों पे आप मिल जाएगा, बोन मैरो लीवर में ग्लोबुलिन मिल जाएगा, ठीक है। तो ये एंटीबॉडी बनाते हैं, गामा ग्लोबुलिन, ठीक है, एंटीबॉडी, ये गामा वाले। अल्फा भी क्वेश्चन आ सकता है कि कौन सा ग्लोबुलिन एंटीबॉडी बनाता है या कौन सा ग्लोबुलिन एंटीबॉडी होते हैं, गामा ग्लोबुलिन एंटीबॉडी होते हैं, उन्हीं को एंटीबॉडी कहा जाता है। एंटीबॉडी को इम्यूनोग्लोबुलिन के नाम से जाना जाता है, इसका नाम होता है इम्यूनोग्लोबुलिन, इम्यूनोग्लोबुलिन, ठीक है, इम्यूनोग्लोबुलिन के नाम से जाना जाता है, आईजी लिखते हैं हम लोग, आईजी, ठीक है। तो एंटीबॉडी को इम्यूनोग्लोबुलिन भी बोला जाता है, इम्यूनोग्लोबुलिन। ये कितने टाइप के होते हैं इम्यूनोग्लोबुलिन, एंटीबॉडी जब पढ़ाऊंगा तो आपको बता दूंगा, बट इम्यूनोग्लोबुलिन जो होते हैं जिसको एंटीबॉडी भी बोलते हैं, इम्यूनोग्लोबुलिन जी, इम्यूनोग्लोबुलिन मतलब आईजी, आईजी मतलब इम्यूनोग्लोबुलिन, तो आईजीजी, आईजीए, आईजीएम, आईजीई, आईजीडी, इतने प्रकार के हैं, ठीक है, ये एंटीबॉडी की बात कर रहा हूं, ठीक है। अब आगे चलते हैं, हिस्टोन प्रोटीन की बात कर लो, हिस्टोन प्रोटीन कहां मिलेगा, हिस्टोन प्रोटीन आपको मिल जाएगा, ये लगभग पांच प्रकार का होता है हिस्टोन प्रोटीन, हिस्टोन प्रोटीन भी पांच प्रकार के होते हैं, सुन लो, ये हिस्टोन जो जानते हो ना, ये पांच प्रकार के होते हैं, फाइव टाइप्स के होते हैं, ये उतना आपको डिटेल में नहीं जाना है, लेकिन इतना ध्यान रखना है, पांच प्रकार के होते हैं ये, जो कि प्रोकैरियोट में नहीं मिलता, ये प्रोकैरियोट में नहीं है, मैंने बताया था यूकैरियोट में होते हैं हिस्टोन प्रोटीन, ठीक है ना, और इसी कारण ये डीएनए उस पे लपेटे जाते हैं, क्रोमोसोम बनता है, याद है मैंने बताया था आपको, हिस्टोन प्रोटीन होना चाहिए तभी उस पे डीएनए लपेटे जाएंगे, क्रोमोसोम का निर्माण होगा, गुणसूत्र का निर्माण होगा। पांच प्रकार के होते हैं, H1, H2A, H2B, H3, H4, पांच प्रकार के होते हैं, नॉर्मली आपको ध्यान रखना है H1, H2A, H2B, H3, एक H1, हिस्टोन को बता रहा हूं, H1, H2A, H2B, H3 और H4, पांच प्रकार के होते हैं हिस्टोन, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, और भी होता है, एक और होता है, वो आपको नहीं ध्यान रखना है, फिर पांच आप ध्यान रखना मेनली, कभी भी क्वेश्चन आया कितने प्रकार के हिस्टोन होते हैं, पांच प्रकार के, ठीक है, ठीक है। एक आरबीसी में भी होता है, ठीक है, एक आरबीसी के मेम्ब्रेन में भी होता है ना, जो आरबीसी डेवलप कर रहे होते हैं ना, वहां पे भी होता है एक H5 के नाम से, बट आप ध्यान रखना कि पांच प्रकार, H1, H2A, H2B, H3, पांच प्रकार के हिस्टोन होते हैं, और यही हिस्टोन क्या है, आप जानते हो कि ये डीएनए में होना चाहिए, यूकैरियोट में होता है, और डीएनए इसी हिस्टोन प्रोटीन पे लपेटे जाएंगे और वो क्रोमोसोम का निर्माण होगा, ठीक है। तो ये बेसिक होता है, ये बेसिक है, हिस्टोन जो होता है ना, ये बेसिक एमिनो एसिड होते हैं एक तरीके से, इसके अंदर बेसिक एमिनो एसिड होता है, हिस्टोन के अंदर एसिडिक बेसिक जानते हो ना, ये बेसिक एमिनो एसिड इसके अंदर होता है, हिस्टोन प्रोटीन में बेसिक एमिनो एसिड होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है, बेसिक एमिनो, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, बेसिक एमिनो एसिड इसके अंदर प्रेजेंट होता है हिस्टोन प्रोटीन में, ठीक है, बेसिक एसिडिक बेसिक जानते हो ना, तो बेसिक एमिनो एसिड इसके अंदर में क्षार जो है ना वो होते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो डीएनए प्लस हिस्टोन, डीएनए हिस्टोन के साथ जुड़ेगा, तो डीएनए जब हिस्टोन के साथ जुड़ता है तो न्यूक्लियोसोम, न्यूक्लियोसोमल मॉडल आपने सुना होगा नाम, नहीं सुना है तो मैं पढ़ा दूंगा आपको, डीएनए हिस्टोन जब जुड़ते हैं ना, डीएनए हिस्टोन यूकैरियोट में, प्रोकैरियोट में नहीं, प्रोकैरियोट में हिस्टोन नहीं होता है, यूकैरियोट में डीएनए हिस्टोन जब जुड़ते हैं तो न्यूक्लियोसोम बनता है, न्यूक्लियोसोम के बाद क्रोमेटिन फाइबर बनेगा, क्रोमेटिन फाइबर के बाद क्रोमोनिमा बनता है, और क्रोमोनिमा के बाद क्रोमोनेटा बनता है, क्रोमोनिमेटा बनता है, उसके बाद क्रोमोसोम बनता है, क्रोमेटिड बनता है, तब क्रोमोसोम बनता है, इतना क्रोमोसोम का सीरीज है। ये जो डीएनए प्लस हिस्टोन होगा वो उससे न्यूक्लियोसोम बनेगा, न्यूक्लियोसोम बनेगा, न्यूक्लियोसोम से क्रोमेटिन का फाइबर बनता है, क्रोमेटिन फाइबर से क्रोमोनिमा बनता है, क्रोमोनिमा से क्रोमोनिमेटा बनता है, क्रोमोनिमेटा से क्रोमेटिड बनता है, क्रोमेटिड से जाके क्रोमोसोम बनता है, गुणसूत्र, ये है इतने स्टेप है ना, इससे बनता है ये सारी चीजें, ठीक है। तो बाकी आपको समझ चुके हो कि अब आ जाओ प्रोटामिन, इतना आपको समझ सको कि क्या मैंने बताया आपको, ठीक है, जब मैं आपको बताऊंगा क्रोमोसोम न्यूक्लियोसोम और मॉडल तो वहां पे मैं बता दूंगा, पूरा लिख दूंगा, ठीक है ना। अभी सुन लो प्रोटामिन के बारे में, प्रोटामिन के बारे में थोड़ा सा मैं बता दूं, ये प्रोटामिन जो है स्पर्म के न्यूक्लियस में पाया जाता है, स्पर्म जो होता है ना शुक्राणु, प्रोटामिन की बात करूं स्पर्म के न्यूक्लियस में मिल जाएगा आपको प्रोटामिन, ठीक है, ये सब मैंने बता दिया आपको, ठीक है, दो बचा है प्रोटामिन पोलामिन, तो स्पर्म के न्यूक्लियस में आपको प्रोटामिन मिल जाएगा, यह प्रोटामिन जो है स्पर्म शुक्राणु के न्यूक्लियस में
बहुत इंपॉर्टेंट होती है, प्रोटामिन स्पर्म के न्यूक्लियस में है और ये और भी काम में यूज होता है, और भी काम में आता है, ठीक है। बट फिर भी अभी इतना ध्यान रखोगे कि स्पर्म के न्यूक्लियस में पाया जाता है ये, और उसके बाद राइस वगैरह में, चावल वगैरह में, मेज वगैरह में आपको मिल जाएगा, चावल में, मेज में, वीट में, सीरियल्स जो होते हैं ना, सीरियल्स वगैरह है ना, अनाज जो होते हैं ना उनमें आपको मिल जाएगा ये, है ना, उनमें आपको ये आपको मिल जाएगा। इतना ध्यान रखना है प्रोटामिन की जो मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है। तो प्रोटामिन कहाँ कहाँ मिल जाएंगे, ये स्पर्म के न्यूक्लियस में, शुक्राणु के न्यूक्लियस में मिल जाएगा। और ये पता है स्पर्म हेड के कंडेंसेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उतनी डिटेलिंग में नहीं जाना है। स्पर्म में हेड होता है और टेल भी होते हैं, स्पर्म के हेड के कंडेंसेशन में, संघनन में बड़ा इंपॉर्टेंट होता है ये प्रोटामिन। बट आप अगर ये भी ध्यान रख ले रहे हो कि स्पर्म के न्यूक्लियस में होता है तो आपको ये काम आ जाएगा, कभी भी दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है प्रोटामिन्स के बारे में, ठीक है। और प्रोटामिन्स की कहानी और भी है, मैं आपको बता दूंगा, थोड़ा सा फिश से रिलेटेड है, कौन सी मछली में ये क्या है ये रिलेटेड है आपको, ठीक है ना, तो मैं बता दूंगा आपको, ठीक है। बट स्पर्म न्यूक्लियस आप ध्यान रखना। प्रोलामिन की बात करूं, प्रोलामिन की बात करो, प्रोलामिन के बारे में क्या बताना, प्रोलामिन जीन मेज होता है ना, जीन मेज, जीन मेज, जीन मेज के अंदर ये आपको मिल जाएगा प्रोटीन, प्रोलामिन जीन मेज मक्का के अंदर मिल जाएगा। ग्लूटेन्स, ग्लूटेन्स के नाम से, ग्लूटेलिन के नाम से ग्लूटेन प्रोटीन होता है, ग्लूटेन, ग्लूटेन प्रोटीन जो होता है वो प्रोलामिन के अंदर आ जाएंगे, ग्लूटेन प्रोटीन। एक्चुअली इसको ग्लूटेनिन्स बोलते हैं, ग्लूटेलिन ऐसा लिख सकते हो, क्योंकि इसमें डिफरेंस होता है, मैं अभी बताऊंगा आपको कभी आपको, ग्लूटेलिन्स, ठीक है ना, ग्लूटेलिन्स जो मतलब कि गेहूं में होगा, ये मक्का में है, ये गेहूं में, ये सारा प्रोलामिन्स होते हैं ये, ठीक है, सारा प्रोलामिन्स का एग्जांपल है, मक्का में, गेहूं में जो ग्लूटेलिन्स प्रोटीन होती है वो हो गया, ठीक है। ओराइजेनिन, राइस के अंदर ये प्रोटीन होता है, ओराइजेनिन, ओराइजेनिन राइस के अंदर, चावल के अंदर, ठीक है, सब प्रोलामिन के एग्जाम्पल है ये, प्रोलामिन का एग्जाम्पल बता रहा हूं मैं, मक्का में, गेहूं में, ये गेहूं में होता है, वीट में, ठीक है ना, वीट में होता है, ये राइस में होता है, ओराइजेनिन राइस में होता है, चावल में होता है ये, ठीक है, ठीक है। और बार्ले में हॉर्डिन होता है, जौ में हॉर्डिन होता है, जौ, हॉर्डिन, हॉर्डिन होता है जौ में, बार्ले में बोलोगे, ठीक है, ये सब क्या है, ये प्रोलामिन के एग्जांपल है, ठीक है। जब मक्का हो गया, गेहूं हो गया, चावल हो गया, और ये बार्ले, सब में क्या क्या है मैंने बता दिया, ग्लूटेलिन्स, ओराइजेनिन, हॉर्डिन एंड जीन, ठीक है। तो ये आपको इतना ध्यान रखना है। बाकी लेक्टिन्स के मैंने बताया था आपको, लेक्टिन्स के बारे में अलग से बता दूं, लेक्टिन मैंने बताया था ना एक शुरुआत में, लेक्टिन की बात की मैंने की थी, लेक्टिन ये कार्बोहाइड्रेट को बाइंडिंग प्रोटीन है, ये कार्बोहाइड्रेट को बाइंड करता है, ये उस प्रकार का प्रोटीन है जो कार्बोहाइड्रेट को बाइंड करता है, कार्बोहाइड्रेट बाइंडिंग प्रोटीन के नाम से जानते हैं। इसका एग्जांपल के तौर में एग्लूटिनिन है, एग्लूटिनिन बढ़ाऊंगा मैं, एग्लूटिनिन इसका नाम आएगा, एग्लूटिनिन के नाम से आप समझ सकते हो, एग्लूटिनिन इसका एग्जांपल है लेक्टिन का, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट बाइंडिंग प्रोटीन है। कॉनकैनावेलिन भी होते हैं, इसका एग्जांपल कॉनकैनावेलिन भी है, आप याद कर सकते हो, कॉनकैनावेलिन ए, ये इसका एग्जांपल है लेक्टिन के, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट बाइंडिंग प्रोटीन है ये, एग्जांपल, एग्जांपल जो है ये एग्लूटिनिन और कॉनकैनावेलिन ए, ये दो एग्जांपल हैं, इसका आपको ध्यान रखना है, ठीक है। बस उसके बाद मैं नेक्स्ट क्लास में आपको बताऊंगा आगे कहानी, ठीक है, जो मैंने बताया है आप ध्यान रखना। स्पर्म न्यूक्लियस में प्रोटामिन होता है, मैं आपको इसमें क्या है थोड़ा सा मुझे बताना था, डिटेल है थोड़ा, 2-3 मिनट लगेगा, इसलिए मैंने आपको नहीं बताया, ठीक है, बाकी ये चीजें मैंने बता दी, आपको ध्यान रखना है। तो नेक्स्ट क्लास में बात करते हैं, ठीक है, और फिर प्रोटीन थोड़ा सा बताऊंगा, फिर फैट स्टार्ट करेंगे, लिपिड वगैरह, ठीक है, थैंक यू।